मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एंथसीमा के करीब लाएगा अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचे तो खुद से पूछे ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा तंबाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक दो तीन पाँच छह पर कॉल करें या मिस कॉल दे शून्य एक एक दो दो नौ शून्य एक सात शून्य एक आरोप This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों वेलकम टू इन दिस वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है मोहब्बतें जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं बतलाएंगे इस फिल्म ने सन 2000 के दशक में कितनी कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे और ये भी बताएंगे अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हो और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हो और मोहब्बत

रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी की बजट के बारे में तो इस फिल्म को तीस मिलियन बजट बनाया गया था और वहीं पे बात कर ले इस मूवी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने दुनिया भर में मिलियन से अधिक की कमाई किया था और यह फिल्म साल दो की दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉक फिल्म बन गई थी चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो बात करें इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान ईश्वरिया फिल्म में नजर आए थे और वहीं पे बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो आदित्य चोप्रा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे थे और बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में तो यश चोपड़ा सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों यश फिल्म को इस मूवी को यशराज मूवीज़ के बैनर के तहत बनाया गया है और बता दें दोस्तों यशराज मूवीज़ के बैनर के तहत बनने वाली कोई भी फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को बताएंगे बताएंगे फिल्म कहाँ कहाँ पर शूट किया गया था और मूवी जब रिलीज हुई थी तो फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिला था कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों अगर आप मोहब्बत फिल्म की इन सब बातों को जानना चाहते हो और इस फिल्म से जुड़े रोमांटिक फैक्ट को भी जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा साथ साथ ही वीडियो के अंत में हम भी अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों मोहब्बत मूवी साल दो की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित की गई है और निर्देशित किया गया है बता दें दोस्तों इस फिल्म को यश मूवीज के बैनर के तहत बनाया गया साथ ही साथ इस फिल्म को यश चोपड़ा सर ने उम्मीद किया था दोस्तों इस फिल्म के अंदर दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को लिया गया था शाहरुख खान को लिया गया था ऐश्वर्या राय को लिया गया था और वहीं पे बात करें सहायक भूमिकाओं के बारे में तो इस फिल्म में उदय चोपड़ा समीता शेट्टी जुगल हंसराज और कीम शर्मा फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है गुरुकुल के कॉलेज के सख्त प्रिंसिपल नारायण की कहानी से दोस्तों इनकी कहानी बतलाई गई फिल्म के अंदर जिसकी बेटी मेघा कॉलेज में एक संगीत शिक्षक राज के साथ उसके

तैयार की गई थी जितनी जतिन ललित जोड़े ने इसका संगीत तैयार किया था जबकि अनंत बख्शी ने फिल्म के गाने को लिखे थे दोस्तों इसी तरह मोहब्बत फिल्म को सत्ताइस अक्टूबर सन के के दशक में में रिलीज किया था में। रिलीज किया गया सिनेमाघरों इसे होने बाद फिल्म को आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें अमिताभ बच्चन के लिए और शाहरुख खान के प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रशंसा मिली थी जो 900 मिलियन से अधिक की कमाई किया था इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे अगर हम इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन की कमाई की थी फिल्म ने और फिल्म को व्यावसायिक सफलता के रूप में घोषित किया गया था और यह फिल्म अवार्ड की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी इसने छियालीसवे फिल्म फेयर पुरस्कार में चार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए शामिल है इसे तीन बॉलीवुड मूवी अवार्ड भी दिए गए हैं चार अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकाडमी पुरस्कार भी दिए गए थे एक स्क्रीन अवार्ड दो जी सिनेमा अवार्ड इस फिल्म को लिए दिया गया था दोस्तों बतला दी वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साल 2000 की दशक में रिलीज हुई मूवी मोहब्बत फिल्म को तो दोस्तों कहां पे देखने को जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों कहानी के बारे में के फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म को कैसे बनाया गया था दोस्तों काफी मजेदार बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो में तक जरूर रहिएगा दोस्तों फिल्म की कहानी नारायण की पच्चीस वर्षो से एक यानी कि प्रतिष्ठित ऑल औषधि बॉयज कॉलेज गुरुकुल के सख्त हैं जो जो इन परंपरा और अनुशासन पर जो है जोर देकर अपने छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ लाने में भी विश्वास करते हैं वह मस्ती का विस्तार करते हैं और विशेष रूप से रोमांस के प्रति जो है असहिष्णु इंसान है और रोमांटिक संबंध रखने वाले को बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि सजा भी देते हैं साथ ही रोमांटिक रोमांतिक संबंध रखने वाले इंसान को किसी भी छात्र को निष्कासित करने की धमकी देते हैं इन यानी कि नियमों के बावजूद जो है गुरुकुल के तीन छात्र समीर बिक्की और करण प्यार में पड़ जाते हैं समीर को उसकी बचपन की दोस्त संजना से प्यार हो जाता है बिक्की इसका कि प्यार में गिर जाता है और आकर्षित हो जाता है जो कि पड़ोस के सभी लड़कियों के कॉलेज की एक छात्रा है और उसी तरह करण एक युवा विधवा किरण से मुग हो जाता है जिसे करण एक रात रेलवे स्टेशन पर अकेला देखा था दोस्तों नारायण ने राज को गुरुकुल के नए संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है कॉलेज के अंदर राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है और पूरे गुरुकुल में प्रेम फैलाने का फैसला भी करता है वह समीर बिक्की और करण की यानी कि दूरदशा के प्रति जो है सहानुभूति रखता है और उन्हें अपने प्यार के प्रति वफादार रहने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं राज तीन छात्रों को बताते हैं कि उसे खुद के उसे खुद से एक इनकी विशेष प्यार था और हालांकि वह मर चुकी है वह कल्पना करता है कि वह हर दिन उसके साथ है। जाती है एक दिन अपनी योजना के तहत राज एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वह सभी लड़कियों के कॉलेज के छात्रों को आमंत्रित करता है पार्टी के अंदर नारायण को ही बुलाया जाता है पार्टी के अंदर नारायण को पता चल जाता है पार्टी के बारे में और राज को यानी कि बर्खास्त करने की धमकी देते हैं नारायण इसी बिंदु पर राज ने खुलासा किया था कि वह एक दशक पहले गुरुकुल में एक छात्र था और उसे नारायण की एकलौती बेटी मेघा से प्यार था नारायण ने यानी कि सरसरी तौर पर राज को कॉलेज से निकाल दिया था और परेशान मेघा ने आत्महत्या कर दी थी कॉलेज की रोमांस पर जीरो यानी कि उनके साथ टॉलरेंस की नीति को उलट कर देना मेघा की यानी कि स्मृति का सम्मान करने के लिए राज जो है गुरुकुल लौटता है और वह वा वादा करता है कि वह स्कूल को प्यार से भर देगा और नारायण इसे रोकने में असमर्थ होंगे नारायण जो है चौक गए थे और वह इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और राज को उसी कॉलेज में रहने देते हैं दोस्तों यहाँ से एक चुनौती लगता है अमिताभ बच्चन को क्योंकि अमिताभ अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं कि मैं इतना कमज़ोर नहीं कि जो तुम चाहो यहाँ पे मैं होने दूंगा इसके वजह से इन दोनों में आपसे चुनौती हो जाता है और राज का ये कहना है कि मैं इस कॉलेज को प्यार से भर दूंगा और प्रिंसिपल का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप चाहो जितना भी ट्राई कर लो लेकिन अंत में राज की ही जीत होती है इसमें मैं आपको आगे बताऊँगा कि फ़िल्म के अंदर क्या होता है दोस्तों अगर आप इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यश रस की

को संरक्षित करने के अंतिम प्रयास में जिसे उन्होंने 25 वर्षों के लिए बनाया था और नारायण ने तीन छात्रों को निष्कासित किया था और बताया दोस्तों राज उनकी ओर से बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्यार में पर कर कुछ भी यानी कि गलत नहीं किया था और नारायण पर अपनी ही बेटी की मौत का कारण के वजह से प्रति जो है यानी कि प्रति और साथी असहिष्णुता का आरोप लगाया था राज ने और राज यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि नारायण ने चुनौती खो दी क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया अब राज जो कि नारायण को एक बड़ा यानी कि मानते थे उन्हें भी छोड़ रहे हैं राज के राज के शब्दों ने नारायण नर, को आहत किया था जिससे पता चलता है कि उसकी सख्त यानी कि नौ सत्य रोमांस के साथ जो है नीति गुमराह है और नारायण ने छात्र निकाय से माफी मांगी थी इन गुरुकुल के प्रिंसिपल के साथ जो है पद से इस्तीफा दे दिया और राज को अपना उत्तर अधिकारी नामित किया और राज स्वीकार करता है कि नारायण के साथ सुलह कर लेते हैं तो फिल्म के अंत में नारायण और शाहरुख खान एक हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है दोस्तों ये बिल्कुल भी यानी कि आसान नहीं था कि लेकिन मुझे ऐसे चेहरे चाहिए थे ये कहना है आदित्य चोपड़ा का दोस्तों आदित्य चोपड़ा का यह कहना था मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि लेकिन मुझे कुछ चेहरे ऐसे चाहिए थे जो कि बिल्कुल इंडस्ट्रीज में नए हो शुक्रवार को नहीं दिखाई देते थे जो मुझे नए चेहरे यानी कि प्रतिभाशाली चेहरे इन साथी स्वाभवि के रूप में युवा चेहरे इन मूल रूप से युवा जो कि सीखने के इच्छुक होंगे और ऐसे चेहरे चाहिए जो कि इस बात के बारे में सच्चाई को समझ सके और मोहब्बत मोहब्बत मूवी की जहाँ तक बात था और किसी भी चीज़ से ज्यादा मैं चाहता था कि वह मेरे धारा कल्पना की गई इनकी स्क्रिप्ट के हर यानी कि मिनट के विवरण को हो सके दोस्तों आदित्य चोपड़ा की फिल्म की यानी कि कास्टिंग पर रोमांटिक संगीत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल उन्नीस के निर्माण से पहले सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशक की शुरुआत करने के लिए मोहब्बतें मूवी लिखना शुरू कर दिया था लेकिन चोपड़ा ने महसूस किया था कि मोहब्बत मूवी का विषय बहुत यानी कि परिपक्व था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म और मोहब्बतें उनकी दूसरी फिल्म बन गई थी जो दुनिया कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल किया था अपनी अगली फिल्म में अलग अलग यानी कि विषय को इच्छा रखते हुए उन्होंने मोहब्बत फ़िल्म को एक थ्रिलर के रूप में कल्पना की लेकिन अपना विचार बदल दिया और एक और रोमांटिक जो है फिल्म बनाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ यानी कि ऐसा हो जो मुझे अपनी ओर खिंचता रहा और इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल बंद कर दी और यानी कि लापरवाही से अपनी मोहब्बत मूवी की फाइल उठा ली कि एक जो है क्रिया ने मेरी दूसरी फिल्म का फैसला भी किया था इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने दिल तो पागल है मूवी साल उन्नीस सौ की रिलीज के बाद मोहब्बती मूवी लिखना शुरू किया था और चाहते थे अधिक हो जो की साथी को और साथी से प्रेरित थी जो कि चोपड़ा ने फिर अपने पिता यश चोपड़ा को मोहब्बत मूवी सुनाई जो कि इससे प्रभावित हुए थे और वह बाद में अपने जो है बैनर यश मूवीज के तहत बनाने का निर्मित किया था फैसला किया था और एक स्क्रीन जो है स्वच्छता कार में यश चोपड़ा ने इसे एक यानी कि आधुनिक फिल्म आधुनिक फिल्म कहा था और आज के बारे में एक फिल्म और इसमें जो है सभी यानी कि उम्र के लोगों के लिए रोमांटिक की सभी यानी कि सामग्री शामिल थे दोस्तों वर्णित किया गया था कि उन्होंने कहा कि फिल्म जो है भारतीय एन परंपराओं और उनके मूल्यों के समान को दर्शाती है क्योंकि फिल्म के अंदर फिल्म के कुल यानी कि मिलाकर आदित्य चोपड़ा ने एक ईमानदार फिल्म बनाई है और भगवान के प्रति ईमानदार और दर्शकों के प्रति ईमानदार जिन्होंने जिन्होंने ई और इतना यानी कि कुछ दिया है इसी परियोजना की जून उन्नीस सौ उन्यानबे में यशरस फिल्म की बैनर के तहत की गई थी आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता से कहा था कि वह अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट करेंगे उन्होंने यहां तक कहा था कि यह अन्य यानी कि उपयुक्त और भी नेताओं के बारे में नहीं है और सोच सकते हैं कि तीनों ने तुरंत यानी कि स्वीकार कर लिया था और मोहब्बत फिल्म जो साल दो के दशक के नाटक यानी कि जोश मूवी के बाद रिलीज हुआ था जिसमें ऐश्वर्या राय भी शाहरुख खान के साथ काम की थी और सहयोग किया था और अमिताभ बच्चन के साथ पहला मूवी था आदित्य चोपड़ा ने काजोल को मेगा की भूमिका की पेशकश करने की कोशिश की थी जिन्होंने अपनी शादी के कारण इसे और स्वीकार कर दिया था नारायण की भूमिका निभा रहे थे अमिताभ बच्चन ने महसूस किया था कि दीवार फिल्म साल उन्नीस के बाद यह भूमिका उनकी सबसे अच्छी भूमिका थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल आदित्य चोपड़ा की शानदार पदकथा के कारण इसी भूमिका को स्वीकार किया था जिसे उन्होंने, छोटा जिसे उन्होंने छोटा लड़का कहा था और कास्टिंग पूरी करने के लिए चोपड़ा ने छह नए अभिनेताओं की मांग की थी Thank okay. you. तीन नर और तीन जो है मादा चाहिए थे उनको यानी कि तीन लड़के और तीन लड़कियां चाहिए थे आदित्य के भाई उदय चोपड़ा फिल्म में पहली बार नजर आए थे अभिनय की थी अभिनय की शुरुआत करना चाहते थे इसी फिल्म से आदित्य चोपड़ा और उनके सहयोग ने अन्य पांच नए लोगों को खोजने के पूरे भारत की यात्रा की थी उन्होंने यानी कि सीमित शेट्टी जुगल हंसराज किम शर्मा जिमी सर्गिल और प्रीर्ति यानि की जहांगानी को कास्ट किया था फिल्मांकन शुरू होने से पहले उनके साथी यानी कि प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से एक यानी कि उनके यानी कि विवाह मशाला का निर्माण किया गया था इन साथी अमरीश पुरी और इस फिल्म के अंदर जो है सुफालिश शाह और हेलेन ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी फिल्म के अंदर आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के यानी कि संवाद भी लिखे थे और फिल्म की कहानी भी लिखे थे दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट भी आदित्य चोपड़ा ने ही किया है और फिल्म की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है दोस्तों बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस तो कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे मैं मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता सकता हूँ तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉब में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों मोहब्बत मूवी की फोटोग्राफी शुरू हुई थी पच्चीस अक्टूबर उन्नीस को शुरू हुई जो योजना

मैं जो है घर बनाता हूँ और चुनौती जो है व्यक्तित करता हूँ दोस्तों प्रत्येक घर को कहानी में और पात्रों के अनुरूप जो है इनकी व्यक्ति करने में मदद किए थे और रॉय ने फिल्म के लिए थर्टीन या फोर्टीन सेट तैयार किए थे जो कि फिल्मांकन अगस्त और सितंबर 2000 के बीच जो समाप्त हुआ था इसे भी साथी करने धारा संपादित किया गया था और जो है माथुर और कुणाल और जो है कुणाल मेहता फिल्म के धोनी एंड डिजाइनर थे जो कि जतिन ललित की जोड़ी ने मोहब्बतें मूवी के साउंड डैट की रचना की थी और गीत अनन यानी कि धारा लिखित की, की गए थे और नवोदित कलिकार ईशान और साथी मनोहर सेट्टी प्रतिभा एंड साथी मजमूदार श्वेता बंडी सोनाली सोनाली भटवेडेकर और उद्भट के साथ जो है गायन को किया गया था और फिल्म के गाने को लेकर राजीप कॉम ने बताया था कि उन्होंने सोचा कि नए लोगों के नए यानी कि नए लोगों के लिए नए आवाज़ रखना एक अच्छा एक अच्छा विचार है यह एल्बम को ताजा आवाज देने में भी मदद करे और कहा था कि उन्हें और जतिन को अपनी आवाज के अनुकूल होने में कठिनाई का अनुभव हुआ था और लता मंगेशकर उदित नारायण शाहरुख खान और साथी जो जसपिंदर जसपिंदर नरूला ने भी ऐ दिए थे और फिल्म के साउंडेड एल्बम में सात मूल गीत और दो यानी कि पृष्ठभूमि स्कोर है और इसे 21 जनवरी 2000 को यह रस फिल्म की सहायक कंपनी यानी कि वाई आर एफ म्यूजिकल द्वारा रिलीज किया गया था जो नवंबर की शुरुआत में यश चोपड़ा ने अपने अधिकार एच एम बी को बेच दिए और पचहत्तर मिलियन से अधिक की कमाई की थी मोहब्बत मूवी की साउंड की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया और औसत यानि दर्जे की थी स्क्रीन के अनुसार जतिन ललित का संगीत हालांकि चार्ट बास्टर यानी कि स्टॉप नहीं है मधुर और स्थितिजनक है और ये फिल्म देखते ही यानी कि आप पर यानी कि बढ़ता है बॉलीवुड हंगामा की रत्ना मलय ने इसे एक विशिष्ट यानी कि यश चोपड़ा तरह का मिश्रण कहा था और दिल तो पागल है मूवी की यानी कि प्लेनेट बॉलीवुड के लिए लेखन और साथ ही अभी अभी यानी कि अविनाश इन राम अविनाश इन साथी रामचंदी ने इसे एक उत्कृष्ट एल्बम के रूप में वर्णित किया था जिसमें कई नए यानी कि गायकों ने शानदार शुरुआत की थी और साथ ही साथ जतिन ललित धारा एक यानी कि सराहनीय काम और अनंत बख्शी धारा शानदार गीत लिखे गए थे लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे बुलाया इसे बुलाया था और बिल्कुल या, बिल्कुल यार फिल्म यानी कि व्यापार एन वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार साउंडेड एल्बम की पाँच मिलियन प्रतियाँ बिकी थी पाँच मिलियन की पर्तिया बिकी और यह वॉर्च का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडर्ड एल्बम बन गया था जतिन ललित के जतिन ललित को इसके लिए छालीसवें औसाती पुनर्वरित में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था यह दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम मोहब्बत रखा गया है तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहब्बत फिल्म को जिसे सन दो हजार दशक में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों मोहब्बत मूवी दो हजार दशक की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया था और यश रस फिल्म के यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया था इस फिल्म में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय और नवोदित कहानी बताई गई है इसकी बेटी मेघा कॉलेज में एक संगीत में शिक्षक राज से प्यार करती थी लेकिन उससे विरोध करने के बाद आत्महत्या कर लेती है बता दें दोस्तों आत्महत्या कर लेती है कहानी तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम हितों के साथ राज की सहायता करती हुई कहानी को बतलाया गया है क्योंकि प्यार के प्रति इन साथी ही के खिलाफ विद्रोह कर सके और यह फिल्म मूल रूप से आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म थी लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी उन्नीस सौ पंचानवे के बाद यह मूवी उनकी दूसरी फिल्म थी इसके विषय 1989 के अमेरिकी आने वाले नाटक यानी डेड और शादी ओटिस के बाद जो है इनकी सोसाइटी से प्रेरित थे बता दें दोस्तों फिल्म 100 मिलियन से लेकर यूसी में कन्वर्ट करते तो वन मिलियन से अधिक के बजट में फिल्म को बनाया गया था क्योंकि इस फिल्म के नेता बहुत ही ज़्यादा चार्ज किए थे प्रमुख फोटोग्राफी भी जिसे यूनाइटेड किंगडम में फिल्माया गया था और अक्टूबर उन्नीस और दो के अंत के बीच मनमोहन सिंह ने संभाला था इस फिल्म के काम के और साथ ही शीर्षक जो है रॉय और करण जौहर ने सेट का निर्माण किया था और जो है वेशभूषा तैयार की थी और जतिन ललित सर की इस फिल्म को रखा गया है क्योंकि जदिन, क्योंकि जतिन ललित जोड़ी ने इसका संगीत तैयार किया था जबकि अनंत बख्शी ने भी इस फिल्म के गाने को लिखे थे दोस्तों मोहब्बत फिल्म के गाने अनंत बख्शी धारा लिखे गए थे मोहब्बत फिल्म को सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान के प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रशंसा मिली यह मूवी 900.1 मिलियन से अधिक की कमाई किया था इन पैसों को योशे में 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 कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन की में कमाई की कमाई थी दुनिया भर में। और फिल्म को सफलता के रूप में घोषित किया गया था और यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई इसने छियालीसवे फिल्म फेयर पुरस्कार में चार सदी ट्रॉफिया जीती थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स शाहरुख खान के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए शामिल है इसे तीन बॉलीवुड मूवी एंड अवार्ड चार अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार एक स्क्रीन अवार्ड और दो जी सिनेमा अवार्ड इस फिल्म को मिले थे जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों अगर आप लोग को पुरानी बातें सुनना पसंद हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं फिर से इस मूवी के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में फिल्म में अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में अभिन ने किए हैं शाहरुख खान फिल्म के अंदर राज आर्यन मल्होत्रा के कैरेक्टर में नजर आए हैं इस वरियर फिल्म में मेघा शंकर के रूप में नजर आई है उदय चोपड़ा फिल्म में विक्रम के रूप में नजर आए हैं जुगल हंसराज फिल्म में समीर शर्मा के रूप में नजर आए हैं जेमी सरग फिल्म के अंदर करण चौधरी के रूप में नजर आई है साथ ही समिता शेट्टी फिल्म के अंदर ईशिका धनराजकीर के रूप में नजर आई है किम शर्मा इस फिल्म में संजना के रूप में नजर आई है तो दोस्तों यह है इस फिल्म के मेन कैरेक्टर एन सहायक भूमिकाओं में सभी के सभी इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में कि फिल्म को कैसे बनाया गया था सन दो के दशक में यहाँ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर पहली दफा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल फिर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों इस फिल्म के बारे में आदित्य चोपड़ा का कहना है कि ये मूवी बिल्कुल भी आसान नहीं था लेकिन मुझे ऐसे चेहरे चाहिए थे जो हर शुक्रवार को नजर नहीं आते मुझे नए चेहरे चाहिए थे प्रतिभाशाली चेहरे क्योंकि सौफिक रूप से युवा चेहरे मूल रूप से युवा जो सीखने के इच्छुक होंगे और ऐसे चेहरे जो इस बात की सच्चाई को समझ सकते थे कि वह मोहब्बत के क्या कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज से ज्यादा मैं चाहता था कि वह हर यानी कि मिनट समझे मेरे द्वारा कल्पना की गई स्क्रिप्ट का विरण किया गया था बता दें दोस्तों आदित्य चोपड़ा की फिल्म कास्टिंग पर जो है रोमांटिक संगीत दिलवाले वाले दुल्हने ले जाएंगे उन्नीस के निर्माण से पहले सबसे अधिक यानी कि कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी तो क्योंकि आप लोग को पता है सन उन्नीस की मूवी दिलवाले दुल्हना ले जाएंगे मूवी सबसे ज्यादा लंबा चलने वाली फिल्म है क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने

कहा था कि मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी यानी कि ओर खींच रहा है और इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल यानी कि बंद कर दी और, और साथ ही लापरवाही से अपनी मुहब्बतों का फाइल उठा लिया था एक आधारण एक यानी कि साधारण क्रिया ने मेरी दूसरी फिल्म का फैसला किया मेरे लिए बता दें दोस्तों अधित चोपड़ा का यह भी कहना है कि उन्होंने दिल तो पागल है मूवी को देखा उन्नीस सौ उन्नीस की रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया वह चाहते थे कि यह सिर्फ यानी कि रोमांटिक कहानियों से अधिक हो और हिंदी सिनेमा के विश्व यानी कि विश्व कोष के अनुसार यह फिल्म उन्नीस के अमेरिकी आने वाले युग के नाटक के यानी कि डेड डेड यानी कि पोएट के सातवें सोसाइटी से प्रेरित थी क्योंकि चोपड़ा ने फिर जो है अपने पिता यश चोपड़ा को मोहब्बतें मूवी सुनाई थी जो इससे प्रभावित हुए थे और बाद वाले ने अपने बैनर यशराज फिल्म के तहत जो है फिल्म का निर्माण भी किया था और एक स्क्रीन यानी के सचादा कार में यश चोपड़ा ने इसे एक यानी कि आधुनिक फिल्म आज के बारे में एक फिल्म और इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन की सभी यानी कि सामग्री के रूप वर्णित किया गया था उन्होंने कहा कि फिल्म भारतीय परंपराओं और उनके मूल्यों के समान को यानी कि सम्मानित करता है दर्शाती है और कुल मिलाकर आदित्य ने एक ईमानदार फिल्म बनाई है और भगवान के प्रति ईमानदार और दर्शकों के प्रति ईमानदार जिन्होंने इम, जि, जिन्होंने हमें यानी कि इतना कुछ दिया है और इसी परियोजना की घोषणा करते हुए जून उन्नीस में यश फिल्म की वेबसाइट पर रिलीज की गई थी बता दें दोस्तों आदित्य तो चोपड़ा ने अपने पिता से कहा था कि वह अमिताभ बच्चन शाहरुख खान और ऐश्वर्या

कोशिश की जिन्होंने अपनी शादी के कारण इसे स्वीकार नहीं किया अस्वीकार कर दिया था और नारायण की उनके साथ जो है नारायण की भूमिका निभा रहे थे अमिताभ बच्चन ने जो महसूस किया कि दीवार मूवी उन्नीस के बाद यह भूमिका उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल आदित्य चोपड़ा की शानदार पदकथा के कारण इस भूमिका को स्वीकार किया था जिसे उन्होंने इस फिल्म में निभाया जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दो की दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोहब्बत फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा मोहब्बत फिल्म के लिए जिस भी किसी को ऑफर किया गया था सभी ने स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन सर का यह कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में सिर्फ जो है यानी कि पदकथा की वजह से साइन किया था क्योंकि उनका यह भी कहना है कि दीवार मूवी के बाद उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार इस फिल्म में इनको मिला है दोस्तों इस फिल्म की कास्टिंग पूरी करने के लिए चोपड़ा ने छह नए अभिनेताओं की मांग की थी तीन नरम और तीन जो है मादा आदित्य के भाई जो है उदय चोपड़ा की फिल्म में अभिनय की शुरुआत की थी मोहब्बत फिल्म में पहली बार आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा ने भी फिल्म में अभिनय किया था अभिनय की शुरुआत करना चाहते थे और आदित्य चोपड़ा और उनके सहायकों ने अन्य पांच नए लोगों को खोजने के लिए पूरे भारत की यात्रा की उन्होंने समिता शेट्टी एन जुगल हंस राज की कीम शर्मा जिमी सिरगिल और प्रीति यानी कि झंगयान को जो है कास्ट किया था फिल्म में और फिल्मांकन शुरू होने से पहले उनके साथी प्रसिद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से एक जो है कि साम शाम का निर्माण किया था क्योंकि अमरीश पुरी एन साथी जो है कि शाह और हेलेन ने जो है इस फिल्म में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी और आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के संवाद भी खुद लिखे थे मोहब्बतें मूवी के मुख्य फोटोग्राफी मनमोहन सिंह धारा संभाली गई थी और 25 अक्टूबर 1999 को शुरू हुई जो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी क्योंकि इसका कारण यह है इसका कारण यह है कि करण जौहर ने अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान के लिए वेशभूषा डिजाइन की थी जबकि इसके बारे में जबकि इसके बारे में मनीष मल्होत्रा ने उन्हें आ, उन्हें जो है राय के लिए डिजाइन किया था एन साथी फरहान खान एन कोरियोग्राफर थे फिल्म के यशराज फिल्म के साथ लगातार सहयोगी जो है कि साथी रोए ने कला रोए की कला जो है निर्देशक के रूप में काम किया था एन फिल्म के बारे में रदीप डॉट कॉम की शिल्पा भारत अय्यर धारा पूछे जाने पर रोए ने फिल्म को सीखने का अनुभव बताया था और उसने नारायण के कार्यालय के सेट के लिए कई जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया था और कई जो है इनकी अतिरिक्त जो है कि संपत्ति खरीदने के लिए लोहार लोहार यानी कि चाल गए थे और रोए ने कहा था कि आदित्य चोपड़ा के साथ उनके अच्छे संबंध थे और फिल्म के निर्माण ने उन्हें कई चुनौतियाँ दी और देखो हर दिन मैं जो है इनके घर बनाता हूँ और चुनौती जो है इनके व्यक्तिगत कारण से व्यक्तिगत कारण से मैं यानी कि प्रत्येक घर को कहा में और जो है पात्रों के अनुरूप जो है व्यक्तिगत करने में है और यहाँ पे रोय ने फिल्म के लिए थर्टीन या फिर तैयार किए थे और फिल्मांकन अगस्त और सितंबर 2000 के बीस समाप्त हुआ था और इसे भी कारणिक धारा संपादित किया गया था और अनुजन की माथुर और कुणाल मेहता फिल्म के धोनी एंड डिजाइन कर रहे थे फिल्म के दोस्तों मोहब्बत फिल्म का जितना भी म्यूजिक है जतिन ललित ने तैयार किए हैं जतिन ललित की जोड़ी ने मोहब्बत फिल्म के साउंड की रचना की और

और जतिन को अपनी जो है आवाज़ के अनुकूल होने में यानी कि कठिनाई का अनुभव हुआ था और साथ ही लता मंगेशकर उदित नारायण शाहरुख खान और साथ ही जसपिंदर नरूला ने भी एस वर्ड दिए थे और फिल्म के साउंड एल्बम में सात मूल गीत और दो यानि कि पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए गए थे और इसे 21 जनवरी 2010 को यशराज फिल्म की सहायक कंपनी वाई आर एफ म्यूजिकल धारा जारी किया गया था और नवंबर की शुरुआत में यश चोपड़ा ने अपने अधिकार जो है कि एच एम बी को बेच दिए थे और 75 मिलियन यूसी डॉलर और 75 मिलियन इंडियन रुपए में बेचे गए थे जो जो कि यूसी में कन्वर्ट कर दे तो नौ लाख अस्सी हजार की अग्रिम कमाई की थी दोस्तों मोहब्बत फिल्म के साउंड की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया औसत जो है दर्जे की थी क्योंकि इस स्क्रीन के अनुसार जो है जतिन ललित का संगीत हालांकि बास्टर पर यानी स्टॉप नहीं है इन साथ ही मधुर और साथी स्थितिजनक है यह फिल्म देखते हुए आप यानी कि इस फिल्म को देखते हुए आप जो है कि आप पर यानी कि वर्ता है बॉलीवुड हंगामा के रत्ना माले ने इसे एक विशिष्ट यश चोपड़ा की तरह का मिशन कहा था और दिल तो पागल है मूवी की प्लेनेट बॉलीवुड के लिए लेखन इन साथी अभी नाच जो है रामा चंदन ने इसे एक उत्कृष्ट एल्बम के रूप में वर्णित किया था इसमें कई नए यानी कि गायकों ने शानदार शुरुआत की थी साथ ही साथ जतिन ललित धरा एक यानी कि सराहनीय काम और अनंत बख्शी धारा शानदार गीत जो है लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे बुलाया था बिल्कुल यार यानी कि फिल्म जो है व्यापार इंसाथी वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म के साउंड एल्बम की पाँच जो है मिलियन प्रतियां बिकी थी और यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड एल्बम बन गया था फिल्म के बारे में जतिन ललित को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए छियासवें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए नामांकन मिला था और उन्हें बॉलीवुड मूवी अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड में भी उसी श्रेणी में नामांकित किया गया था यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों इस फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि गाने जो है साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एल्बम बन गए थे यहाँ फ्रेंड्स अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहब्बतें फिल्म को जिसे सन 2000 के दशक में रिलीज किया गया था फिल्म को डायरेक्ट किए हैं आदित्य चोपड़ा सर ने और फिल्म की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं। फिल्म के मुख्य है अमिताभ बच्चन शाहरुख ऐश्वर्या राय इन, इन तीनों को इस फिल्म में अहम किरदार के लिए साइन अप किया गया था दोस्तों अब मोहब्बतें मोबीस साल की सबसे जो है बढ़तू पची फिल्मों में से एक बन गई थी दर्शकों की उम्मीद बहुत अधिक थी क्योंकि 8 अक्टूबर 2000 हजार दस को आदित्य चोपड़ा चोपड़ाधारा अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान और जौहर की उपस्थिति में फिल्म सिटी में फिल्म के लिए एक विशेष स्क्रीन का आयोजन किया गया था बता दें दोस्तों फिल्म को सत्ताईस अक्टूबर को दिवाली समारोह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी रिलीज बिदु विनोद चोपड़ा तो की थ्रिलर मिशन कश्मीर के साथ एस यानी कि रवि कुमार की कॉमेडी ड्रामा शादी थेनाली से टकरा गई थी अपने लंबे समय तक चलने के कारण जो है थिएटरों में चार के बजाय जो है प्रतिदिन तीन दिखाए जाते थे मोहब्बत फिल्म को पूरे भारत में तीन स्क्रीन पर खोला गया था रिलीज किया गया था पहले दिन फिल्म ने ग्यारह मिलियन से आधी की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो एक लाख साठ हज़ार यूएसए डॉलर की कमाई की थी और इस फिल्म ने पूरे भारत में सात मिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 9.3 मिलियन से अधिक की कमाई किया और विदेशों में फिल्म ने 4.2 मिलियन की कमाई की थी एंड बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई बतलाई है 900.1 मिलियन यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन होने का अनुमान लगाया था जिससे यह मूवी वर्स के सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और यह सिल्वर जुबली यानी कि सिल्वर जुबली वाली फिल्म बनकर उभरी थी जो एक दिनों से अधिक समय तक जो है सिनेमाघरों में चली थी और ये फिल्म अठारह नवंबर दो को अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई है बता दें दोस्तों मोहब्बतें फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी क्योंकि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के प्रदर्शन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था फिल्म के अंदर और फिल्म के बारे में रडीप डॉट कॉम के साथ ही एसवेरा एसवेरा आर एन साथी किया है कि यह मूवी एक मिस मैस ठीक मूवी है लेकिन यह या एक यानी कि सफल फिल्म सफल मूवी इन साथी ही गुड फिल्म भी है उन्होंने दोनों अभिनेताओं का वर्णन दो यानी कि सतम जीन पर यह फिल्म बनी है और हर बार जो है जब यानी कि आमने सामने आते हैं तो यह यानी कि अपेक्षा छुपी हुई है और रूप से यानी कि वर्णित की गई है बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारों का दर्जा दिया आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए दोनों के बीच जो है टकराव के दृश्य को साथी यानी कि एप्लॉम्ब के साथ जो है निपटने के लिए उन्होंने कहा एक बार भी यानी कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म के अंदर चोपड़ा ने इस फिल्म के अंदर चोपड़ा ने लेखन किसी एक तरफ जो यानी कि झुका दिया है और साथी विनायक जो है इनके चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक यानी कि डाउन हिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक यानी कि ठोस स्क्रिप्ट दूर जो है प्रभावशाली उपचार से राहित हो रही है इन मेगा सपने को पकड़ने के लिए किसी भी यानी निर्देश कि निर्देशक की अन्य साथी विश्वसनीयता की कमी मोहब्बत फिल्म की एक है और किसी भी नबोदोदित फिल्म जो है निर्माता को फिल्म कैसे न बनाई जाए इसी बारे में सत्य यानी कि सबक जी और साथ ही जो है नेके स्टार के बिनय जो है ने फिल्म की तीखी एंड समीक्षा की इसे यानी कि गुंगा कहा था और फिर उन्होंने कहा कि सिंह पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं शाहरुख खान की मच फिल्म जिसका नाम है मोहब्बत जिसे सन दो के दशक में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा इस मूवी के बारे में द हिंदू के लिए मोहब्बत मूवी की समीक्षा करते हुए सबिता पद्मा नाभर ने फिल्म की अवधि और बच्चन और शाहरुख खान के बीच जो है टकराव के दृश्यों की आलोचना की और किशोर की प्रेम कहानियों से हमेशा बाधित होते हुए बतलाया है लेकिन फिल्म फेयर के अनाम समीक्षक ने उनकी जो है उत्कृष्टि के लिए सराहना की थी और शादी संबंधित जो है भूमिकाएं निभाई थी बता दें दोस्तों निकात काजमी ने फिल्म को साथ सिनेमा की और सिनेमा की यानी कि भयानक जो है कि अनिश्चितता कहा था और खालिद मोहम्मद ने लिखा है कि रोमांटिक कॉमेडी में वापस आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें फिल्म का वास्तव में एक यानी कि और बहुत जीवन के मूवी है क्योंकि फिल्म के बारे में अच्छी जो है बहुत अच्छी रिव्यू मिली है लेकिन सच कहूं तो केवल कुछ यानी कि स्लाइस ही स्वाद को एन साथी गुदगुदा बनाते है। बता हैं बता दें फिल्म वार्ड्स यानी कि फिल्म फेयर के सुमन एन साथी तरफादार ने कहा है कि सुमन तरफ दार ने कहा है कि अधिकांश जो है कलाकार अपनी भूमिकाओं के बारे में इतने लंबे समय तक यानी कि संबंधित दिखते हैं और उसी के अनुसार प्रदर्शन करते हैं स्क्रीन ने कहा है कि आदित्य चोपड़ा के यानी कि अधिक जो है यानी कि प्रयास पर अधिक प्रयास हर फ्रेम में दिखाई देते हैं और साथ ही पतकथा पर उनकी यानी कि महारत हासिल है महारत हासिल है पहली छमाही में स्पष्ट है इंडिया टूडे के लिए अपनी समीक्षा में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के साथ फिल्म की तुलना करते हुए साथ ही दिनेश रहेजा ने फिल्म में फिल्म के बारे में कहा मोहब्बत मूवी बहुत अधिक यानी कि विविध है और जिसमें जो है और उनमें उनमें लगता है कि अमिताभ बच्चन के लिए है और माना जाता है कि कहानी निराशाजनक रूप से यानी कि थपथपाई दी और अधिक यानी कि सरल कहानी को फिल्म के अंदर बतलाई गई है दोस्तों फिल्म की कहानी तीन युवक पर आधारित है क्योंकि इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान ऐश्वर्या रह से प्यार कर रहे होते हैं लेकिन ऐश्वर्या राय के पिता अमिताभ बच्चन को यह स्वीकार नहीं होता है जिसके कारण ऐश्वर्या राय खुद को जो है मार डालती है उसके बाद किसी भी तरह इन दोनों के आपस में जंग चलता है शाहरुख खान एन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अंदर जो है कभी भी यानी कि टकराव को सुलह नहीं होता है अंत में जाके सुलह हो पाता है क्योंकि शाहरुख खान अपने तरफ यानी कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनके तरफ झुकाव करते हैं मोहब्बत पैदा करते हैं लेकिन यहीं पर मोहब्बत के खिलाफ अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा जोर देकर अपनी कॉलेज को बता बताया है जहाँ दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो इन दोनों में आपको कौन सा करेक्टर अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन का फिर शाहरुख खान का आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा फिल्म को डायरेक्ट किया आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म की कहानी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं यश चोपड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के अंदर अमिताभ हाँ, बच्चन शाहरुख खान ऐश्वर्या रय अहम किरदार में नजर आए हैं दोस्तों फिल्म को 27 अक्टूबर सन दो हज़ार को रिलीज़ किया गया था फिल्म की रनिंग टाइम दो घंटा 15 मिनट का है और मूवी की बजट के बारे में हम बात करते तो फिल्म को 130 मिलियन बजट पे बनाया गया था और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करते तो नौ मिलियन से अधिक की कमाई किया जो इंडियन फिल्म जो इंडियन सिनेमा के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है ये मूवी सन दो के दशक में जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहब्बत फिल्म को

चार्य हैं नारायण सम्मान यानी की परंपरा और अनुशासन पर जोर देकर अपने छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ लाने में विश्वास करते हैं और वह मस्ती का बहिष्कार करते हैं और उनके साथ जो है यानी कि विशेष रूप से रोमांस के प्रति और और असहिष्णु रोमांटिक संबंध रखने वाले किसी भी छात्र को निष्कासित करने की धमकी देते हैं लेकिन इन सभी धमकियों के बावजूद भी इन नियमों के बावजूद गुरुकुल के तीन छात्र समीर बिकी और करण को प्यार हो जाता है समीर को उसकी बचपन की दोस्त संजना से प्यार होता है विकी इसा की ओर आकर्षित होता है और पड़ोस के सभी जो है लड़कियों के कॉलेज की एक छात्रा है और करण एक युवा विधवा किरण से यानी कि मुक्त हो जाता है जिसे करण एक रात रेलवे स्टेशन पर अकेला देखता है बता दें दोस्तों नारायण ने राज को गुरुकुल के नए जो है संगीत नए संगीत यानी कि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है और पूरे गुरुकुल में प्रेम यानी कि फैलाने का फैसला करता है अब इस मूवी के अंदर नारायण ने राज को गुरुकुल के नए संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है पूरे गुरुकुल में प्रेम फैलाने का फैसला करता है वह समीर बिक्की और करण की दूरदशा के प्रति सहानुभूति रखता है और उन्हें अपने प्यार के प्रति वफादार रहने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है राज की तीन छात्रों को बताते हैं कि उसे खुद से एक यानि विशेष प्यार था और हालांकि वह मर चुकी है वह कल्पना करता है वह फिल्म के अंदर कल्पना करता है कि वह हर दिन उसके साथ जाती है और एक दिन अपनी योजना के तहत जो है राज एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वह किसी भी लड़कियों के कॉलेज के छात्रों को यानी आम कि आमंत्रित करता है नारायण को पार्टी का पता चल जाता है अपने पार्टी में सभी लड़कियों इन सभी लड़कों को बुलाते हैं और इस पार्टी के बारे में अमिताभ बच्चन को पता चल जाता है और राज को बर्खास्त कर देते हैं कॉलेज से धमकी देते हैं इसी बिंदु पर राज ने खुलासा किया है कि वह एक दशक पहले यानी कि गुरुकुल में एक छात्र था और उसे नारायण की एक लवदीप बेटी मेघा से प्यार हो गया था नारायण ने साथी जो कि सरसरी तौर पर राज को कॉलेज से निकाल दिया था और परेशान मेघा ने आत्महत्या कर ली थी कॉलेज की रोमांस पर जीरो यानी कि टोल रेंज की नीति को उलट पलट कर दिया गया था मेघा की साथी स्मृति का सामना करने के लिए राज गुरुकुल राजूकुल लौट आया था वह वा वह वा वा वादा करता है कि वह स्कूल को प्यार से भर देगा और नारायण इसे रोकने में असमर्थ होंगे नारायण चौंक गए और वह इसे एक जो है चुनौती के रूप में लेते हैं और राज को रहने देते हैं लेकिन समीर बिक्की और किरण जो है क्रमश संजना ईशिका और किरण के साथ जो है और किरण पर जीत हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन नारायण कॉलेज के नियमों को कड़ा कर देते हैं बता दें दोस्तों जवाबी कार्रवाई करते हुए छात्र निकाय यानी कि हालांकि राजधारा प्रोत्साहित किया जाते हैं इन नियमों की साथी अवहेलना करना जारी रखते हैं और स्कूल के माहौल को साथी संरक्षित जो है करने की अंतिम प्रयास में जिसे उन्होंने 25 वर्षों के लिए बनाया है इन नारायण ने तीन छात्रों को निष्कासित कर दिया था राज उनकी ओर से उनके साथ बोलते हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्यार में पढ़कर जो है कुछ भी गलत नहीं किया इन नारायण पर अपनी ही बेटी की मौत का कारण प्यार के प्रति यानी कि असहिष्णुता का आरोप लगाया था लेकिन राज यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि नारायण चुनौती हार गए हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया और अब राज जो कि नारायण को एक बड़ा मानते थे उन्हें भी छोड़ रहे हैं बता दें दोस्तों राज के शब्दों ने नारायण को आहत किया था इसे पता चलता है कि उसकी सख्त यानी कि उसकी सख्त नो एन साथी रोमांस नीति गुम रहा है एन नारायण ने छात्र निकाय से माफ़ी मांगी एन गुरुकुल के साथी प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया और राज को अपने यानी कि उधर अधिकारी नामित किया है एन साथी राज की स्वीकार करता है और नारायण के साथ भी की सुलह कर लेते हैं और इसी तरह इस फिल्म की कहानी को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है तो चलिए दोस्तों यहां से अब हम बात करते हैं मोहब्बत फिल्म के बारे में इंग्लिश में दोस्तों अगर आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है इस फिल्म को रिलीज किया गया था सत्ताईस अक्टूबर सन दो को और रिलीज होने के बाद इस मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था फिल्म के मुख्य स्टारकास्ट है अमिताभ बच्चन शाहरुख खान एश्वर इस फिल्म में इस फिल्म में अहम किरदार अहम किरदार निभाए हुए हैं फिल्म आदित्य चोपड़ा ने और फिल्म की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं यश चोपड़ा सर ने दोस्तों को एक को 130 मिलियन बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने दुनिया भर में नौ मिलियन से अधिक की कमाई किया था The film was the originally Planet 2V and Aditya Chopra is the directory devout but is the was the end, second film after Dilwale Dulhania Le Jayenge movie nineteen ninety-five it is the in themes were the and inspired by the those from the 1989 American coming of the age Drama dead and produced in society and producer on the budget and more than the hundred million budget and you say convert to the one point three million. The film and principal photography of the muhabbat, which was the end film made in the United Kingdom was the end. Bendable the in Manmohan Singh between the October 1999 and the and late 2000 in the and the Roy and Karan Johar and the bullet is the set and designed by the costume designer and respectively to be due to the Jatin Lalit composite it is the music will be Anand Bakshi varied to be in the music lyrics Mohabbatein movie was the release on 27 October 2000 and the received the and what is spread in acclaim from the critics with the end Amitabh Bachchan is the and Saru Khan performance the and Jen running the in Murta project with the and total gross movie 900 million but the movie total box office collection 900 million and usually convert to the 12 million the film was the end declared as the in comical success and the become the highest grossing Indian film of the year it is one through the and the film fair 14th film fair award in including best actor Saru Khan and Amitabh Bachchan Narayan has the been the end a stack principal of the gurukul and the all boys the college for the 25 years narayan in believes in the end bowling the end best out of his the and student boy the in project the end honor and the traditional at the and display he the and disbanded from the end particular and international of the romance and the and the education any student who the end, Jagot, the inhabiting and having a romantic affair. Romantic affair despite the end rules the entry Gurukul cool student and Samir, Vicky, and Kiran. Kiran fell in love with the Samir and Samir fell for the Sanjana, his the and childhood friend. And Vicky is the actor to be Ishika is the student at the end. And the Nagru all girl college and the Kiran and in the with the Kiran and young, the and the. In video, who the current see along with the one night the train station? Naran here the Raj is the Guru of a new and music teacher. The Raj and believe in the power of the love and the desire to the end. Spread the love and three and the intro, uh, love three and Guru Kul hit the end. As my with the end. एंड द पेटिशल ऑफ द इन समीर विक्की एंड किरण एंड द मूवी द एन प्रजेट बाय द एस्टे एंड लुअल टू वी थियट द लॉ इस द राश टेल द एंड थ्री एस्टूडेंट द्री एस्टेंट ही एंड एसपेसल लॉफ द एंडसेल्फ इन दल्थाउ सी इस द डेट ही एंड इमेज एंड द Image is the end, or uh, is the end, uh, composition? his the very day, one day, is the of the movie is the Raj and through party. Raj through a party to be which is the end, in, invite to be a student of the all goal and college Narayan. The end discovery is the party and the and dismiss Raj at this the point to be. Raj in revealed he had the been a student at the Gurukul offer or decided to be yearly and the movie had the plan had the end, fell in love with the mega. Narayan is only daughter Narayan had the end summerly and expelled Raj from the College and the movie and discover hit the mega at the end. Commentated the end. Suicide the Raj return to Gurukul. To be and honor the mega is the end. Memory via the end. Revering TV and college had the end zero. And Taylor is the end. polish on the end. Romance hit the end. Promises he will be in fill the school with the love and take the Narayan. Will be and unable to be stopped with the Narayan hit the and socket he and take the and The challenge and the allow hit the Raj to and remain in samir biki and kiran are the able to be win over the sanjana ishika and kiran and respectively, by the Narayan the end to be and thwarted the end, college the rule the movie, a student body, and however, the end in kovid Raj and continued to be and defeat the end rules and the final and final offer to be and resurfaced by the school and the automatic with the end bullet of the film 25 years. Narayan explained the and a student the Raj speak of one the end theater and the behemoth in the and beheld help station the and nothing to be worn by the feeling and love with the and the nandan of the encouraging his the one and daughter and death with the internationally of the raj also and saying his the and fails narayan to be and lost the and challenge the and became his the and daughter the left him the and new raj who is the and considerate the narayan and elder his the and leaving him a uh, living him as will be raj the world and and the heart narayan who and realized his the end, and strike the no romance policy in the end, and misguide and the end, and upload guys to be an student boy the and. Raging is the principle of the Gurukul and the nominated the Raj is the and successor Raj except M. The N recognized with the Nrayan. It is was the not easy the be all white the and wanted for the emphasis with the word not the see Every every and Friday I want to be in phrase the and facet the and talented the facet and the naturally and young faces the and basically the youngest or who the world be and willing to be learning the and faces who the and cloud the and understand it and understand the through about with the and this movie is the thing and challenges the, love the movie was all the about in the more than any and Anything is it the I wanted to be theme to be and understand the every minute the every minute detail of the movie and is given the end by the Aditya Chopra the film and casting and before the production of the romantic musical Dilwale Dulhania Le movie, in 1995, one of the movie highest grossing film and the end longest the running film and Indian the and Indian cinema history Aditya Chopra had the started to be written and Mohabbate to Make the end the directorial debut the Chopra and Felt Mahabade movie. हिज द सेपरेट मेटर वाज टू बी एन मेटर द एन मेकिंग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिज द फर्स्ट फिल्म वाज द एंड डायरेक्टोरियल एन मोहब्बत इज द सेकंड एंड इज द नेक्स्ट फिल्म टू बी एन है द डिफरेंट एन थीम हिज द एंड कन्फाइट द मोहब्बत इज द थ्रिलर बॉट द एंड चेंजेट इज द माइंड एंड डिसाइड टू भी मेक द अनोदर रोमांटिक फिल्म हिज द एंड एसटोरेट द आई रियलाइज द एन थ्री इज द एंड समथिंग इन द एंड एसटोरी थे एंड कीप इज द एंड ड्रोक to be in so one day i just uh, shot my the end thriller film and the uh, casually pick up of the my the Mohabbate movie and file the one of the in simple action uh, and decide to be in second film for the me

यश चोपड़ा हु वाज द एंड इम्प्रेस बाय द एंड लेटर अल्सो द प्रोड्यूसर थ्री फिल्म द अंदर हिज द बैनर यश चोपड़ा यश राश फिल्म हिज द एंड स्क्रीन द इंटरव्यू यश चोपड़ा And this it is the end modern film of film about 2 today has the end has all the end. in league of the movie entertainment for the people of the end age hit the inside the end film and so was the end honor of the Indian and traditional and theater and value adding one day and will be Aditya has the made in the movie and honest film the end honest to be god and the honest to the end audience who had the given the and so much the end project was the announcement in June 1999 on year Film and website. आदित्या चोपड़ा, टेल हिस एंड फादर ही वॉल बी कास्ट अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान एंड एस वरियर है अमिताभ बच्चन हिंद एंड लीड रूल द एन साइंग एंड क्लाउड द नॉट थिंग टू अफ द एंड द एंड सुटेबल एक्टर दि एंड थ्री द एंड इमीडियेटली एंड द इमी डेटि इमीजिएटली एक्सेप्ट मोहब्बत इस द शाहरुख खान एंड सेकेंड एंड सेकेंड कलेबरेसन वितिथ दि एंड एस वरिया दि एंड टू थाउजेंड धर्मा प्रोडक्शन जोस्ट मुवी एंड दें फ्रस्ट द वित अमिताभ बच्चन चोप्रा द एंड ट्राइ टू बी एन ऑफर टू बी रोल ऑफ द मेघा टू काजल हु द ए एंड क्लैनेट द इस बिकॉज ऑफ द मैरिज द अमिताभ बच्चन एंड प्लेंग द नारायण द फेल्टी पार्ट वास द एंड बेस्ट रोल ऑफ द दीवार मूवी नाइनटीन सेवेंटी फाइव The war movie Amitabh Bachchan 1975 and the side the only and accept the part the, because of the and fantastic, fantastic fantastic script by Aditya Chopra who had the and cleared the title while the and complete the and casting Chopra and saw the six new actor three in male and the three female Aditya brother Uday Chopra wanted to be make his the and acting debut in the film Aditya Chopra and his the assistant and travel the in across India to be find the over the end. Newcomer Hida Kash and Simita Shetty Jugal Hansraj and Kim Sharma Jimmy Sergil and the Preeti and Jan Gyan and and was the and Bulti the and especially for the and tiny before the and filming the begin Amrish Puri and Sefil Shah and Helen the and made a special the and appearance Aditya Chopra also wrote the film the film dialogue the principal photography of the Mohabbat movie was the and handled by the and Manmohan Singh and commenced on the 25 October 1999 taking the place in the United Kingdom. करन चौहर द एंड एंड द डिजाइनर बाय द एंड कस्ट्यूम डिजाइनर फॉर द अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान विल एन मनीषा मल्होत्रा डिजाइनर डिजाइनर टीम फ्रॉम द एंड फरहान खान एंड फरहा खान वास दि एंड कोरियोग्राफर द एंड समरी एंड द ए शर्मीस्ता रोय द एन फारूकी दोलोबरेटर वितिथ दि एंड याशराज फिल्म द ए सर्वे दि पार्ट ऑफ दि एंड डायरेक्टोर वित्त दि एंड आस्केर्ट दि एंड बाय द शिल्भा एन भरतन एंडर ऑफ द रेड डॉट कॉम रोय द एंडस्क्राइब फिल्म was the in learning the excellence movie and money stone film of the narayan. दोस्तों इसी तरह मोहब्बत फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम क्या है क्योंकि मोहब्बत मूवी साल की सबसे बहुप्रतिषित फिल्म है और इनमें से सभी यानी इनके दर्शकों की उम्मीद बहुत अधिक थी बता दें दोस्तों फिल्म 8 अक्टूबर 2010 को आदित्य चोपड़ा धारा अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन एन शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान और गौरी खान एन करण जौहर की उपस्थिति में फिल्म सिटी में फिल्म के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की मांग की गई थी और आयोजन किया गया था क्योंकि फिल्म

और मूवी ने पहले दिन ग्यारह पॉइंट नाइन मिलियन से आधे की कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो एक लाख साठ हज़ार डॉलर की कमाई की थी और फिल्म ने भारत में सात सौ छः पॉइंट टू मिलियन से आधे की कमाई किया था और विदेशों में हम बात करें तो विदेशों में फिल्म ने फोर पॉइंट टू मिलियन की कमाई की थी मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इस फिल्म के बारे में बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म के बारे में कुल कमाई बतलाया है नौ सौ मिलियन जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो बारह मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था जिससे यह मूवी वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी यह सिल्वर जुबलीज वाली मूवी बनकर उभरी थी जो एक दिनों से अधिक समय तक जो है सिनेमा घरों में चली थी ये मूवी एटीन नवंबर दो को एमेजन प्राइम वीडियो और एपल टीवी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है बता दें दोस्तों मोहब्बत फिल्म को व्यापक आलोचना प्रशंसा मिली जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के प्रदर्शन ने सबसे अधिक जो है इनके ध्यान आकर्षित किया है फिल्म के अंदर क्योंकि रदीप डॉट कॉम के साथी सवेरा आर टिप्पणी की यह मूवी एक, एक यानी फिल कि और, और हर बार जो है जब वो आमतौर पर आमने सामने आते हैं तो यह यानी कि अपेक्षित जो है छुपी हुई मूवी है बता दें दोस्तों वर्णित करते हैं बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने फिल्म को पांच में से तीन सितारों का दर्जा दिया और आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए दोनों के बीच जो निपटने के लिए। उन्होंने कहा था एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगता है चोपड़ा ने लेखक किसी एक तरफ जो है झुका दिया है और विनायक जो है चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला कि स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस कार्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक ठोस स्क्रिप्ट से दूर प्रभावशाली उपचार से जो है कि राहित होती है अपने मेगा अपने मेगा सपने अपने मेगा सपने को पकड़ने के लिए किसी भी यानी कि निर्देश के इन साथी विश्वसनीयता की कमी मोहब्बत फिल्म के बारे में एक है किसी भी यानी कि नबोदुदित फिल्म निर्माता को फिल्म कैसे न बनाई जाए इस बारे में है सत्य सबक यानी कि जी एन साथी नेक्सेस के बिनय और साथ हागरे ने फिल्म की तीखी समीक्षा की और इसे गुंगा कहा और कहा कि इस फिल्म में यानी कि अनुपम खेर और सिंह पूरी तरह से इनके बर्बाद थे बता दें दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे मोहब्बत मूवी को जिसे सन दो के दशक में रिलीज किया गया था तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के मेन अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बारे में और इनके बारे में हम जानेंगे इन्होंने कितने फिल्मों में अब तक काम कर चुकी है और इनको अब तक कितने फिल्म फेर अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों ऐश्वर्या राय कॉलेज में रहते हुए रॉय ने मॉडलिंग के कुछ काम किए थे कई के टेलीविजन एंड विज्ञापनों में दिखाई देने के बाद उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में किया था। जिसमें उन्होंने मणिर रत्न की मूवी उन्नीस सौ रत्नम की, की तमिल फिल्म साथी ही में अभिनय किया था अभिनय की शुरुआत की थी इस फिल्म से और उसी वर्ष और प्यार हो गया मूवी में उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी और उनकी पहली सफलता तमिल रोमांटिक ड्रामा मूवी जिन्स फिल्म से मिला था जो उन्नीस की मूवी थी जो उस समय भारतीय सिनेमा के बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी उन्होंने व्यापक सफलता हासिल की और हम दिल दे चुके सनम फिल्म उन्नीस में अभिनय किया इस फिल्म में अजय देवगन के साथ इन्होंने अभिनय किया था सलमान खान के साथ जो सन 2002 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो फिल्म पर प्रचार इनको दिया गया था इस ऐश्वर्या राय को तमिल रोमांस फिल्म जो है इनकी कुंदु कोडेन में कुंदू कोडेन फिल्म सन 2000 के दशक में एक जो है भावुक कलाकार की भूमिका निभाने के लिए आलोचनात्मक पड़ता आलोचनात्मक जो है सराहना मिली थी बंगाली फिल्म चोखेर वाली दो में रिलीज हुआ था और साथ ही मैं टैगोर मूवी की यानी कि नायिका बनने यानी कि बिनो यानी बिनो दिनी एन नाटक रेनकोट के साथ सन दो हजार के चार में एक उदास महिला एन साथी बिरनजीत यानी कि अहलवा के साथ जो है इन्होंने काम किया था दोस्तों एस वर्यानाय दो ने 2007 हज़ार सात में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की दंपति की एक बेटी है उनकी ऑफ स्क्रीन जो है भूमिकाओं में कई जो है चैरिटी संगठनों और अभियानों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कर्तव्य शामिल है यह एड्स पर संयुक्त जो है इनके संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और साथ ही यू एड्स के लिए एक जो है इनकी साथी सवभावना राजदूत देखती है दो में वह कान फिल्म समारोह में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई थी दोस्तों ये फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में रोयन ने एक अंतरराष्ट्रीय सुपर मॉडल प्रतियोगिता फोर्ट धारा आयोजित की गई जीत और वे के अमेरिका संस्करण में प्रदर्शित हुई थी उन्नीस सौ तिरानवे में एसवरिया राय ने अभिनेता अभी आमिर खान और साथी महिमा चौधरी के साथ एक विज्ञापन में अपनी उपस्थिति के लिए बड़ी सार्वजनिक पहचान हासिल की थी विज्ञापन में उनके संवाद की एक पंक्ति हाय आई में एक पंथी संजना ने उन्हें तुरंत प्रदर्शित बना दिया था

ने उनके भारत के पार्टी करने के साथ लिया था। यह उन्नीस सौ सन्तानवे में मणिरत्न की तमिल फिल्म इरुवर से अपनी अभिनय की शुरुआत की जो एक यानी कि अर्ध जीवनी पर आधारित फिल्म थी राजनीतिक राजनीतिक नाटक है इसमें जो है मोहन लाल मोहनलाल प्रकाश राज तब्बू और रेवटी ने फिल्म में अभिनय किया था महत्वपूर्ण सफलता मूवी ने हासिल की थी और अन्य पुरस्कारों के साथ बेलग्रेड बेलग्रेड यानी कि फिल्म फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार इनको दिया गया था ऐश्वर्य राय को पुष्पा वल्ली और शादी कल्पना के रूप में चित्रित किया था। में गया था दोहरी भूमिकाएं और शादी उत्तर आठ में राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेत्री जयललिता का एक काल्पनिक जो है चित्रण शामिल था फिल्म में उनके संवाद तमिल अभिनेत्री रोहिणी ने किया था और उसी वर्ष उन्होंने बॉबी के साथ रोमांटिक कॉमेडी उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी और प्यार हो गया मूवी में एक भोली किशोरी और आशी के रूप में इनको लिया गया था इरुवर को और साथ ही प्यार हो गया मूवी दोनों ही व्यवसायिक रूप से सफल, सफल हासिल की थी और समीक्षकों ने दोनों फिल्मों में ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय की अभिनय क्षमता की आलोचना की थी हालांकि बाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए स्क्रीन अवार्ड भी दिया गया था तो दोस्तों इस वीडियो में हम मोहब्बतें मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों अगर आप लोग ऐश्वर्या राय के फ़ैन हो और इनके फिल्मों को आप देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं उन्नीस के बड़े बजट के तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिंस में एक संकट धारा निर्देशित की गई ऐश्वर्या राय पुरुष शांत के साँचवें दिखाई दिए थे उन्होंने मधुमिता की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी जो एक युवा महिला है जो अपनी बीमार दादी के जो यानी कि चिकित्सा तथा सहायक लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाती है एक व्यवसायिक सफलता फिल्म ने रॉय को उनके अभिनय और नृत्य कौशल के लिए पर संस्था अर्जित की थी रिवर के विपरीत रॉय ने फिल्म के लिए एक तमिल में अपनी ही यानी कि पंतियों के लिए अभ्यास किया था और ड्राफ्ट किया था बाद में जिन्स मूवी को 1998 के एकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक जो है प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था 1999 में एस वरियर की पहली भूमिका वाली मूवी melodrama मूवी आ अपलोड चले फिल्म थी इसका निर्देशन ऋषि कपूर ने किया था फिल्म एक महत्वपूर्ण विफलता मूवी थी और बॉक्स ऑफिस पे औसत से कम प्रदर्शन किया था बता दें दोस्तों ये मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाली एक जो है पारंपरिक भारतीय महिला पूजा वालिया के साथ जो है यानी कि सूर्य राय के चित्रण को नकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म के बारे में रडीफ डॉट कॉम ने प्रकाशित किया है कि राय एक यानी कि प्लास्टिक इंस अति मुस्कान लेती है फिल्म के अंदर और कभी भी ऐसा दृश्य नहीं मिलता है जहाँ वह किसी भी यानी कि गहराई को चित्रित कर सके वह केवल रोना और मुस्कुराती है इस फिल्म के अंदर और सुंदर दिखती है इसके अलावा उन्नीस में उन्होंने रोमांटिक संगीत हमदिल दे चुके सनम फिल्म में अभिनय किया जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण मूवी बन गया था फिल्म जो है की मैत्री देवी की बंगाली उपन्यास उपन्यासना उपन्यासना यानि हा न्या के एक जो है रूपांतरण मूवी थी संजय लीला भंसाली धरा निर्देशित की गई इन सलमान खान और अजय देवगन के सह कलाकार इस फिल्म में शामिल थे उन्होंने एक जो है एक जो है गुजराती महिला नंदिनी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई है जिसे किसी अन्य पुरुष शाहरुख खान सलमान खान धरा अभिनित के साथ प्यार हो जाता है प्यार होने के बावजूद भी अजय देवगन के साथ, साथ फिल्म की स्क्रीनिंग पर उन, आ, उन उनसे जो है मिलने के बाद जो है भंसाली ने ऐश्वर्या राय को कास्ट किया था और उनकी आंखों से प्रभावित हुए थे और साथ ही बॉम्बे टॉकीट ने बॉम्बे टॉकीज के खालिद मोहम्मद ने लिखा है कि ऐश्वर्या राय अभिनय के लिए एक जो है निर्वाध और साथ ही आनंद जो है प्रकट करती है और लोभावनी साथ ही सुंदरता और साथ ही दिमाग का वह यानी कि अंश अनुभव करती है बता दें दोस्तों संयोजन है कि हम दिल दे चुके सनम मूवी एक व्यवसायिक सफलता मूवी के रूप में उभरा था और ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म पर पुरस्कार भी दिया गया था ऐश्वर्या राय ने अगली बार सुभाष घाई के संगीत में रोमांटिक ड्रामा साल में एक महत्वाकांक्षी गायिका गायिका मानसी की प्रमुख भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी फिल्म में अक्षय खन्ना और अनिल कपूर के साथ रेडी के एक समीक्षक ने इस फिल्म को उनके अभिनय और नृत्य कौशल की प्रशंसा की और लिखा है कि ताल एक अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को फिर से बढ़ाएगा जबकि एक एन की ट्रैफिक स्टाफ के रूप में उनकी छवि को किसी भी यन की तरह से एक नहीं करेगा एक एन की घरेलू व्यवसायिक सफलता मूवी बन गया था ताल इन अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में सीर्ज ट्वेंटी सूची में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म होने के उल्लेखनीय थी राय को उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन दो तमिल भाषा रूपांतरण मूवी साथी कद्दू कोडेन के साथ जो है अभिनय किया था साथ ही राजीव मिनन धारा निर्देशित की गई इस फिल्म में ममूटी तब्बू और अजीत कुमार ने भी प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया था ऐश्वर्या राय को और के चरित्र पर आधारित मूवी के रूप में लिया गया था जो तब्बू के चरित्र की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और आलोचकों से राय को सकारात्मक टिप्पणियां मिली थी द इंडियन एक्सप्रेस धारा की गई एक जो है समीक्षा में संक्षेप में कहा गया है कि अपनी भूमिकाओं को पूरी तरह से निर्दोषता के साथ यानी कि हमला करते हुए राय अपने हिस्से के साथ जो है पूर्ण न्याय करती है और तब्बू से पूरी तरह से मेल खाती है राय ने अगली बार एक्शन ड्रामा मूवी जोश फिल्म में शाहरुख खान और चंद्रचोर सिंह के साथ अभिनय किया था उन्होंने शाहरुख खान के चरित्र की जुड़ुआ बहन यानी कि शर्ली डायस को चित्रित किया था जिससे अपने कट्टर दुश्मन के भाई कि सिंह धारा और भी नीच से प्यार हो जाता है शाहरुख खान की बहन के रूप में राय की कास्टिंग उस यानी कि समय एक एक जो है सामान्य जोड़ी मानी जाती थी हालांकि निर्देशक जो है मंसूर खान ने इसे जो है परफेक्ट बताया था फिल्म समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा अर्जित करने के लिए बावजूद जो है जोश का एक व्यावसायिक सफलता फिल्म के रूप में उभरा था साथ ही तीन सतीश कौशिक का समाजिक नाटक जो है कि उनके साथ जो कि हमारा दिल आपके पास ऐश्वर्या राय की अगली रिलीज फिल्म थी और फिल्म में उन्होंने एक रेप यानी कि पीड़ता की, की किरदार फिल्म के अंदर निभाई थी अनिल कपूर और सोनाली बेंद्रे की कलाकार वाली फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म समीक्षक जो है शुक्रिया वर्मा ने इस फिल्म को अभिनय करने के लिए राय के फैसले की प्रशंसा की थी और कहा था कि वह बलात्कार यानी कि बलात्कार पीड़ित की जो है उथल पुथल और दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती थी इस फिल्म के बारे में ऐश्वर्या राय का यह कहना है कि बलात्कार पीड़िता की उथल पुथल और दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती है और लेकिन यह या एक यानी कि भावनात्मक इंसान थी मलबे से उसका जो यानी कि संक्रमण है जो कि उसके जीवन के टूट हुए टुकड़ों को वापस एक साथ यानी कि इकट्ठा करने की कोशिश करता है इन साथी उर्दह फिल्म यह है कि ऐश्वर्या राय के प्रदर्शन ने अंततः फिल्म फेयर में तीसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन अर्जित किया था बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के बाद बॉक्स ऑफिस पे यानी कि फ्लॉप ढाई अक्षर प्रेम के रूप में एक प्रमुख भूमिका के बाजू ऐश्वर्या राय ने आदित्य चोपड़ा के संगीत में रोमांटिक ड्रामा मोहब्बत फिल्म में सहायक भूमिका निभाई थी ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन के चरित्र की बेटी मेघा शंकर की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी जो यह यानी कि महसूस करने के बाद आत्महत्या कर लेती है कि उसके पिता अपने एक छात्र शाहरुख खान अभी नीत के साथ उसके रोमांस को स्वीकार नहीं करेंगे आलोचकों से अत्याधिक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करते हुए मोहब्बत फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म के रूप में उभरी और ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ सहायक नेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था अगले वर्ष उन्होंने गोविंदा और जेकी श्रॉफ के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी साथ ही अलबेला फिल्म में अभिनय किया रिलीज होने पर और इसके प्रदर्शन दोनों को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म की आलोचना की और ऐश्वर्या राय का उल्लेख किया है कि कुछ दिवसों में इनके प्लास्टिक के रूप में अभिनय करती हुई दिखाई देती है जब उनके प्रदर्शन का समय आता है तो तानी राज को जो है मंच पर शामिल होने के बावजूद जो है यानी कि बजाय सूर्य को देखकर जो है दंग रह जाती है और नृत्य करते समय जो है तानी को दो और दो को एक साथ जो है रखती है और फ्लैशबैक की एक जो है श्रृंखला के माध्यम से वह इसी तथ्य से जागती है कि सूर्य जो है वास्तव में राज है मंच के पीछे जो है उनके नृत्य के बाद वह सूर्य से आंसू बहाती है और जब जो है यानी कि उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है तो वह स्वीकार करती है कि वह उसकी यानी कि भावनाओं का प्रतिकार करती है दोनों ही प्रतियोगिता जीतते हैं फिल्म के अंत में सूर्य और थानी अपने यह, अपने यानी कि विलंब बीच जो है हनी मोन पर निकल पड़ते हैं तो दोस्तों आखिरकार हीरोइन को भी हीरो से प्यार हो ही जाता है कुछ देर बाद ही से ही लेकिन प्यार में दोनों बदल जाते हैं और दोनों जो है आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान सुरेंदर सहानी के किरदार में नजर आए हैं दूसरे बारे में बात कर तो राज कपूर के कैरेक्टर में भी नजर आए हैं अनुष्का शर्मा जो है तानी की में के में नजर हैं जो शाहरुख खान को हेयर कटिंग करने की सलाह देते हैं और दूसरा रूप धारण करने की कोशिश उनसे करवाते हैं जिसके वजह से जो है अनुष्का शर्मा यहाँ पे शाहरुख खान से प्यार करने लग जाती है तो दोस्तों कहानी काफी मजेदार है तो वीडियो में तक जरूर

जो है लाखों लोगों के साथ जो है इनकी तालमेल बिठाने में सक्षम होगा क्योंकि फिल्म के लच्छे दर्शकों को रूप में अमल में लिया गया है बात करें फिल्म के वर में तो मध्यम वर्ग के लोगों के रूप में हमें से बहुत को यानी कि हमें से बहुतों का नियमित जीवन है और हम जो है सुबह उठते हैं कपड़े पहनते हैं और कार्यालय जाते हैं वापस आते हैं कभी कभी बदलाव के लिए हम घर जाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं लेकिन टी देखते हैं और रात का खाना खाते समय सो जाते हैं और फिर हम इसी दिन यानी कि फिर हम इसे दिन जो है यानी कि दिन दोहराते हैं और हफ्ता भर जो है कि रब ने बना दी जोड़ी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में कहानी को लिखी गई है जो एक नियमित जीवन जीता है यह दिल से एक साधारण फिल्म है दोस्तों फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा किया था कि रब ने बना दी जोड़ी मूवी नामक एक जो है और फिल्म का निर्देशन करेंगे और यह उनके भाग्यशाली कि कि शुभ शुभ यानी यानी शुभकर्म शाहरुख खान को इस फिल्म में कास्ट करेंगे यानी कि शाहरुख़ खान को पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा और साथ ही मंद बुद्धि महिला के लिए बड़े पैमाने पर साथ ही टैलेंट कि हन के बाद चुना जाएगा मई में यश राज फिल्म ने नाइनटीन वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को शाहरुख खान के साथ नायिका के रूप में लेने की घोषणा की थी और यश चोपड़ा ने भी उनको कास्ट करने की सोची थी हम पहले किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो वास्तव में छोटे शहर पंजाब की भावनाओं को यानी कि मूर्त रूप से देख सके और हम जानते हैं कि हमने जो है यानी कि उसे अनुष्का शर्मा में बदल दिया अनुष्का शर्मा में पाया है जबकि उससे पहले से ही अभिनय का कोई भी अनुभव नहीं है और हमने उसमें जो है वह यानी कि अनोखी चिंगारी देखी है जो हमें यानी कि आश्वस्त करती है कि वह शाहरुख खान के विपरीत भी एक यानी कि स्टैंड आउट होगा और शर्मा को इसी भूमिका के ये सेकेंडो एंड साथी जो है यानी कि सेकेंडो लड़कियों में से चुना गया था अनुष्का शर्मा को कई सारे लड़कियों में से इस फिल्म के लिए चुना गया था और फिल्मांकन के दौरान उन्हें जो है मीडिया से छिपाकर रखा गया था इस बारे में पूछे जाने पर शाहरुख खान ने कहा था कि विचार उन्हें गुप्त रखने का नहीं था हम चाहते थे कि उनका यानी कि काम जो है उनके लिए बोल जब बोले जब जो है यानी कि कलाकार जो है फिल्मों में आते हैं तो लोगों के लिए जो है उनका काम जो है देखना और फिर उनसे जो है कि सवाल करना महत्वपूर्ण होता है यह फिल्म के रिलीज होने के बाद जो है कि आसान हो जाता है बिनय इस फिल्म के बारे में विनय पाठक को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है जिससे यह जो है उनकी पहली व्यावसायिक जो है यानी कि आउटिंग मूवी बन गई है फिल्मांकन मई दो में शुरू हुई थी यश चोपड़ा शूटिंग के दौरान मौजूद थे और पंजाब के अमृतसर साथवानंद मंदिर में शाहरुख खान के साथ एक हिस्से की शूटिंग की गई थी शाहरुख खान को धारा रचित किया गया था सभी गाने के बोल जयदीप सहानी ने दिए है यह चकदे के बाद शाहरुख खान के साथ जो है उनके साथ संगीत कार जोड़ी का दूसरा सहयोग है भारत 2007 में जिसका जो है साउंड एल्बम एक बड़ी सफलता बन गई थी इस एल्बम को मुंबई में वाई आर एफ स्टूडियो में विजय दिलाया गया था विजय दयाल दयालधारा मिश्रित किया गया था और हॉलीवुड लॉन्स एंजलिस के साथ है। कैलिफोर्निया में बनी जो है ग्रेडमैन एन साथी मास्टिक रिंग में बरान बिग बॉस के साथ गोर्डन धारा इसमें जो है महारत हासिल की गई थी फिर मिलेंगे चलते चलते गीत बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर देव अनंत शमी कपूर राजेश खन्ना और ऋषि कपूर और अभिनेत्री नरगिस साधा नरगिस साधना एन उनके साथ जो है शिवदास ने हेलन शर्मिला एन टैगोर और नीतू सिंह को श्रद्धांजलि देता है गाने के प्रदर्शन में काजुल एन बिपाशा बासू लारा दत्ता एन

अपने बना दी जोड़ी का साउंड फोर्टीन नवंबर 2008 को जारी किया गया था यह आइटम यह जो है आइटून स्टोर के लिए शीर्ष टेन एल्बमों की बिक्री में पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड एड है भारतीय व्यापार एंड वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग जो है उन्नीस मिलियन से अधिक जो इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड एल्बम जो है साल का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम गीत बन गया था तो अपने बना दी जोड़ी की कहानी से लेके गीत तक जो है काफी जबरदस्त है और फिल्म के साउंड एड को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज किस तरह से की गई थी रिलीज में क्या क्या दिक्कतें हुई थी और, क्या -क्या? और बता सकते हो तो चलिए दोस्तों यहां से हम बात करते फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जोड़ी फिल्म को बारह दिसंबर दो हजार आठ को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इस फिल्म को लगभग बारह सौ से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजारों के लिए लगभग तीन प्रिंट्स शामिल थे जिससे यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज से पहले फिल्म ने बड़ी मात्रा में आय जो है बुकिंग देखी गई थी और अत्याधिक चोपड़ा जो अपनी फिल्मों पर गोपनीय बनाए रखने और रिलीज़ के दिन तक जो है उन्हें किसी को नहीं दिखाने के लिए जाने जाते हैं और एक जो है इनकी अपवाद बनाया और तेईस नवंबर 2008 को यशराज स्टूडियो में एक विशेष जो है स्क्रीनिंग आयोजित की थी और इस स्क्रीनिंग में शाहरुख खान के साथ और उनके परिवार करण जौहर और यश चोपड़ा और नवोद्दी शर्मा इस फिल्म में शामिल थे बात करें इस मूवीज़ के बारे में तो साथ ही इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में इस बात को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी कि क्या आदित्य चोपड़ा का मुंबई में हुआ आतंकी हमलों के मुद्दे यानी कि मद्देनजर रखते हुए फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला था लेकिन नहीं हुआ ऐसा छब्बीस से लेकर सत्ताईस और अट्ठाइस नवंबर को मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमलों के आघात के साथ जो है रिलीज जो है शेड्यूल पर विभाजित विभाजित जो है की गई थी विभाजित राय थी जबकि जो है कुछ का मानना था कि चोपड़ा को रिलीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जो है टेलीविजन स्क्रीन पर जो है हम लोग और उसके बाद की खबरें जो है देखने के बाद जो है थकी हुई है और उदास जनता एक सच्चे जो है मनोरंजनकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जो अपने जो है दिमाग को मोड़ने के लिए दूसरों से जो है सोचा दूसरों से सोचा कि उन्हें फिल्म को स्थगित कर देना चाहिए दर्शकों के रूप में रिलीज न करने वाले केवल जो है मुंबई में बल्कि पूरी देश में अभी भी सिनेमाघरों में जाने के मूड में लोग नहीं थे दोस्तों बता दे रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का पहला पोस्टर अक्टूबर में पूरे जो है भारत की नवंबर को करण जौहर की दोस्ताना के, के साथ जो है जारी किया गया था शुरू में फिल्म के बारे में बहुत कम जो है जानकारी आई थी बाहर निकलकर और कहानी के बारे में इंटरटेन पर कई जो सिद्धांत और साथी तैर रहे थे कि के स, हौले, हौले, गीत का पहला संगीत प्रोमो दो नवंबर 2008 को सभी प्रमुख टेलीविजन चैनलों पर शाहरुख खान के मिली थी बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टोटोजा ने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म की डीवीडी को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि अगर आप जो है घर पर एक जो है साफ सुथरी साथी परिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प मूवी है ड्यूटी में साथ ही जो है इनकी व्यर्थ चित्र द मेकिंग ऑफ़ द फिल्म और द मेकिंग ऑफ़ द यानी कि सॉन्ग के साथ जो है हौले यानि हौले हौले गीत डांस में चांस मार ले फिर मिलेंगे चलते चलते साथ ही कई यानी कि हटाए गाते इस फिल्म में रखे गए थे और सचागार शामिल है यह सराज फिल्म नाटकीय रूप से रिलीज होने के एक साल बाद जो है बल्लू से बल्लू मूफी पर जो है रिलीज की गई थी दोस्तों आतंकी हमले के बाद फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त

देखते हुए कि उनके साथ चुंबकीय खान अपने जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ एक जो है कुशल पर्याप्त जो है और अभिनेता है जैसे ही पीटर एन साथे के साथ जो है ईशा के साथ जो है जो है है टर्निंग पॉइंट एक जेरी एन साथी लुइस जो है बनी हम के साथ विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी को नोटिस नहीं होगा द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेचेल के साथ जो है सल्टॉज ने इसे अपने गीतों में से एक के शब्दों में नरम एंड मधुर और साथी धीमा के रूप में वर्णित किया है यह जो है चतुराई से मिश्रण करता है कॉमेडी नए बलीवुड का सत्तारूद ऐश्वर जो है मेलो ड्रामे के साथ जो है पुराने का साथी सत्ता ऐश्वर जो है यानी कि बेवकूफी देखने वाला अनाड़ी एंड चश्मा पहनने सुरिंदर और सभी जो है कुल्हे हो रहे हैं राज अपने आप में एक सच्चे पेशेवर खान इन साथी भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने जो है संवादों के माध्यम से उछलते हुए फिल्म में दिखलाई देते हैं फिल्म जो है जनरल और साथ इंटरनेशनल के फ्रैंक जो है लॉस का तर्क रखी गई है कि यह है कि अधिक यानी कि अधिकताओं के साथ जो है होली की तुलना में अपने ही रोम कॉम के साथ जो है साथी अंतरवृियों के बारे में उनके साथ होशियार हैं और अधिक जो है आत्मा जागरूकता जो है मूड मूड भी के साथ जो है और नोट जो है करते हैं कि फिल्म की चतुराई अंत तक एक जो है साथ ही सर्लिक्रीतले किंग के साथ जो है रोमांस के साथ जो है पुरुषों की सुंदरता और गी के बारे में इच्छा पूर्ति में बदल जाती है यह हॉलीवुड एस टेपल पर साथ जो है इनकी बहुत अच्छी तरह से अभिनय किया है अभिनय किया गया है और बदलाव देखी गई है आलोचक और साथी मिस फ्लिक क्लिक डॉट कॉम के लेखक जो है मैटलैन साथी मैकडोन मैकडोन ने कहा है कि फिल्म कुछ जो है यानी कि तिमाहियों में आत्म जागरूकता और साथी के, के रूप में खारिज कर दी गई है पुरानी फिल्म जो है का एक आत्मा जो हैं की, की उनके साथ जो है अधिकांश इन साथ समकालीन हॉलीवुड रोम काम के साथ जो है नहीं की जाती है तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं एक मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म को 2008 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद फिल्म, फिल्म, तो फिल्म, फिल्म नकारात्मक समीक्षाएं भी मिली है सीन एन आई के राजीव मनसद ने आलोचक करते हुए उन्होंने इस मूवी को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दी है और कहा कि आदित्य चोपड़ा की आठ साल बाद निर्देशन में वापसी एक जो है तुर्तिपूर्ण स्क्रिप्ट यानी कि चिन्हित की है जो बदले में एक जो है निराशाजनक फिल्म को जन्म देते हैं स्मार्ट जो है संवाद और साथ सा ही उत्साह कहा है उनकी पहली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी फिल्म को साथ है परिभाषित जो है करने वाले पत्रा इसी फिल्म में दोनों में से कोई भी कोई भी यानी कि निशान नहीं है साथ ही जो है समस्या था। समस्या तो रब ने बना दी जोड़ी मूवी की जड़ में फिल्म में उन्हें जो है कि कृत्रिम साथ की तरह है और भावनाएं जो है कि वराइटी

अभिनेत्रियों की विशेषता के साथ जो है एक बला स्कोर रखी गई है कई आलोचकों ने इस फिल्म को सुपर हीरो फिल्मों के बीच जो है है समानता को और भी नोट किया है हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने इस मूवीज को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं जिसमें कहा गया था कि सूरी मुस्कृत के, के जो है के कैन सुपरमैन के लिए एकात्मा भाई रखी गई है जो कि आपको फिल्म के अंदर हंसाती है और बारी बारी से रुलाता भी है एन मैंग शेखर से मुंबई मिरर ने फिल्म को पांच में से तीन सितारों की रेटिंग है और तर्क दिया है कि एक ही व्यक्ति जो है जुड़वा को समान है और साथ ही क्लोर सुपरमैन पीटर पार्कर के साथ आदि के प्रकार जो है आप पूरी तरह से महसूस करते हैं इसी फंटासी फिल्म में खो गया क्यूँकी अधिकांत जो है भाग के लिए एक जो है कुछ यानी इनके आसपास बनाया गया है sati nakli नायकों के साथ जो है दूर दराज की स्थितियों के आसपास जो है कि विदेशी देशों की यात्रा करना बहुत आसान होगा इसके अलावा के उनके साथ जो है सुदेश कामत थे हिंदू ने कहा कि जबकि रब ने बना दी जोड़ी फिल्म एक जो है दिलचस्प यानी कि कला फिल्म हो सकती है जो एक एक जो है कि विवाह स्थिति इन विवाह की गतिशीलता विवा की, गति की खोज करती है निर्देशक इसके बजाय जो है इसी चरित्र इन प्रकार का जो है कि व्यवहार करता है जैसे सैम एन साथी

आज की एक मात्रा जो है इनकी प्रेरणा अपनी जो है पत्नी का पीछा करना और अपनी जो है कल्पना को किसी और के रूप में निभाना है और अपने जो है परिवर्तन इन अहंकार के प्रति जो है उनका जुनून नई जो है कि ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जब वह जो है चाहते हैं कि उसके जो है पत्नी उसे जो है कि धोखा दे और साथ ही ना समझ जो है सुरेंदर सैनी जो अच्छी शुरुआत फिल्म के अंदर करते हैं और फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला दोस्तों आप भी मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो तो चलिए ये दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बतला दें आपको इस फिल्म को 22567 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने दुनिया भर में 187 करोड़ से अधिक की कमाई किया है बात करें मूवी की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो पहले दिन फिल्म ने 400 बीस मिलियन से अधिक की कमाई किया था इस मूवी ने अपने बना जोड़ी फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में चार सौ चार मिलियन की कमाई किया था जो यूसी डर में कन्वर्ट कर दी तो 5.5 मिलियन का संग्रह किया अपने चौथे हफ्ता तक इसने जो है 860 मिलियन से अधिक की कमाई कर लिया जो यूसी डर में कन्वर्ट कर दे तो ग्यारह मिलियन कमाए थे जिससे यह फिल्म तीन वर्षों में शाहरुख खान की लगातार पाँचवीं ब्लॉकबास्टर और निर्देशक के रूप में आदित्य चोपड़ा की तीसरी ब्लॉकबास्टर मूवी बन गई इस फिल्म ने विदेशी बाजारों में आठ सौ एट पॉइंट तिरचालीस जो है मिलियन की कमाई की थी जिसमें जो है जिसमें से टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर का योग्य दान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और टू पॉइंट ट्वेंटी से किया गया था और इसे जो है विदेशों में एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत में इसने जो है दुनिया भर में एक हजार पाँच सौ अठहत्तर पॉइंट नाइन मिलियन से अधिक की कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो इक्कीस मिलियन की कमाई की थी इसी प्रकार यह मूवी यह सरस फिल्म और रिलीज के समय जो है शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और यह घरेलू स्तर पर दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और उस साल विदेशी बाजार में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया है तो दोस्तों ये मूवी एक करोड़ से आधे की कमाई किया था और इस फिल्म को केवल जो है बाईस करोड़ के बजट में बनाया गया था इस मूवी में मुख्य कास्ट है शाहरुख खान अनुष्का शर्मा एन विनय पाठक फिल्म में अभिनय किए हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा मैम के बारे में और जानते हैं इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय किए हैं तो दोस्तों अगर आप इनके फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली दफा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस यानी कि शाहरुख खान के बाद लेड रोल में नजर आई हैं अनुष्का शर्मा और बता दें अनुष्का शर्मा की ये पहली मूवी है अपने बना दी जोड़ी और पहली फिल्म इनका ब्लॉक बास्टर हो गया तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं 2007 में फैशन डिजाइन के साथ मुंबई चली गई उन्होंने बेहद सफल जो है रोमांटिक फिल्म और अपने बना दी जोड़ी फिल्म दो में शाहरुख खान के साथ अभिनय की शुरुआत की और यासराज फिल्म के रोमांस यानी कि बैंड बाजा बरात फिल्म दो में रणबीर सिंह के इन्होंने काम किया और जब तक है जान फिल्म दो हजार बारह में प्रमुख भूमिका निभाई बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक भी नेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता उनका शर्मा ने क्राइम थ्रिलर फिल्म एन एच टेन दो में दिखलाई दी थी और नाटक फिल्म में भी दिखलाई दी थी अनुष्का शर्मा थ्रिलर मूवी एन एच टेन में 2015 में और नाटक दिल धड़कने दो फिल्म 2015 हज़ार पंद्रह ए दिल है मुश्किल मूवी 2016 और सुई धागा फिल्म 2018 में मजबूत जो है इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की है उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी स्पोर्ट ड्रामा जो है सुल्तान फिल्म दो में रिलीज हुई थी राजकुमार हिरानी की धार्मिक जो है यानी कि

अधिकारी जो विनम्र दान और कारणों का समर्थन करती है अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की है जीवन के के बारे में हम बात करें तो अनुष्का शर्मा ने ने शाहरुख खान के साथ आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा रब बना दी जोड़ी फिल्म 2008 में अभिनय की शुरुआत की उन्होंने यशराज फिल्म एंड स्टूडियो में अपने स्क्रीन टेस्ट की तैयारी के लिए एक दिन का समय लिया था और तुरंत एक करने और तुरंत जो है यानी कि एक करने से इनकार कर दिया था उन्हें कंपनी के साथ तीन फिल्मों के सौदे के लिए साइन किया गया था और शाहरुख खान द्वारा चित्रित किए गए एक एक जो 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 है 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 आयु वर्ग के के व्यक्ति लिए युवा दुल्हन यानी कि तानिश तानिशाह की प्रमुख जो है भूमिका निभाई थी हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने उन्हें जो है फिल्म में अस्वस्थ और, और साथ ही ईमानदार पाया था लेकिन निकहत काजमी ने इस फिल्म के बारे में काफी ज्यादा सराहना भी किया था निकात काजमी ने अनुष्का शर्मा के बारे में सोचा उनके पास सभी जो की की है और मुश्किल से उनके साथ जो आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं यह फिल्म एक प्रमुख एक एक प्रमुख व्यवसायिक जो है सफल मूवी थी जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभरी थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए शर्मा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया था दो साल बाद अनुष्का शर्मा ने अपराध कॉमेडी मूवी बदमाश कंपनी फिल्म में प्रमुख महिला की का निभाई थी इसका निर्देशन जो है पर इसका निर्देशन परमेश शेट्टी सर ने किया था और शाहिद कपूर बीर दास और साथ ही साथी चैंग ने सह अभिनय किया था फिल्म जो कि चार इन असफल यानी कि मित्रों की कहानी बताईती है जो एक जो है घोटाला इन साथी व्यापार जो है उद्यम शुरू करते हैं और उनके साथ मिश्र समीक्षा मिलती है और इसी तरह बदमाश कंपनी फिल्म को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और बदमाश कंपनी फिल्म भी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इन सफल फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप लोग लोगने बना दी जोड़ी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बतला सकते हो मैं आपको बता दूँ ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बतलाइएगा अब अनुष्का शर्मा 2010 में शर्मा ने बैन बाजा बरात फिल्म में अभिनय करके यशराज फिल्म के साथ जो है अपनी तीन फिल्म अनुबंध पूरा किया है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक कॉमेडी मूवी और शो अभिनित रणबीर सिंह थे उनकी भूमिका जो है श्रुति श्रुति कोग की थी फिल्म में जो एक महत्वाकांक्षी इन साथी माध्यम वर्ग पंजाबी लड़की थी जो अपना खुद का जो है शादी की योजना बनाने का व्यवसाय शुरू करती है और भाग की तैयारी में अनुष्का शर्मा ने पंजाबी बोली में बोलना सीखा था जिसे जो है उन्होंने अपनी भूमिका के सबसे जो है कठिन भाग के रूप में और क्या है। उन्होंने फिल्म में मुख्य पात्रों के साथ जो है बातचीत करने के तौर तरीके को कच्चा लेकिन प्यारा बताया था और इसके लिए उन्हें जो है तेजी से बात करने और कभी कभी शब्दों को मिलाने और यहां तक कि शब्दों को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता थी व्यापार विश्लेषकों ने बैन बाजा बरात फिल्म की व्यक्ति साथी जो है संभावना पर संदेह व्यक्त किया था यह सराज फिल्म की पिछली कुछ जो है प्रस्तुतियों के माध्यम प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए एक पुरुष एन कलाकार की कमी का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि तब तक जो है अनुष्का शर्मा एक लगभग जो है भूली दी गई यानी कि भुला दी गई अभिनेत्री थी हालांकि बैंड बाजा बरात फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाएं बटोरा था अर्जित की थी और इसलिए पर हिट के रूप में मूवी उभरा था जिसमें से कोई ने इसे जो है यानी कि उस समय तक के उनके सर्वश्रेष्ठ काम के रूप में किया था आलोचक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा अपने जो है आप में एक महत्वाकांक्षी दिल्ली की लड़की के रूप में आती है जो कि करोड़ों यानी सैनिकी फॉर्म जो है यानी कि दुनिया भर में इन शादियों में अपग्रेड करने का सपना देखती है फिल्म में अपने काम के लिए अनुष्का शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन प्राप्त किया था अनुष्का शर्मा का पहला उद्यम यशराज फिल्म के साथ जो है यशराज फिल्म धारा निर्मित की गई थी और उनके साथ जो है निखिल आडवाणी धारा निर्देशित की गई और अक्षय कुमार जो है नाटक एंड पटियाला हाउस फिल्म 2011 की फिल्म एक जो है नवोदित क्रिकेटर कुमार धारा ऑफ की कहानी बतलाई गई है इसे अपने पेशे के बारे में अपने पिता को समझाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और अनुष्का शर्मा को कुमार के चरित्र की प्रेम रुचि के रूप में लिया गया था फिल्म के बारे में रदीप डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने अनुष्का शर्मा के काम की प्रशंसा की थी और उन्हें ऊर्जा का रूपक जो है यानी कि करार दिया था उसी वर्ष बाद में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो है लेडीज वर्सेस जो है रिकी बहल के लिए शाह कलाकार रणबीर सिंह के साथ और निर्देशक उनके साथ मनीष शर्मा के साथ जो है फिर से काम किया था उसने इसका देसाई के साथ जो है उसने इशिका देसाई के रूप में अभिनय किया जो कि उनके साथ एक जो है कि सेल्स गर्ल है और जिसे एक ठग जो है की सिंहधारा संबंधित को जो है मौत देने के लिए काम पर रखा गया था जो इसके बजाय जो है उसके प्यार में पड़ जाता है फिल्म और शर्मा के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिलती है एनडी टी की प्याली एन साधी दास गुप्ता ने उन्हें विश्वसनीय लेकिन विश्वसनीय कहा लेकिन नहीं कहा मिश्रित जो समीक्षाओं के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक माध्यम सफलता मूवी थी तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हो एक मूवी यूट्यूब इस चैनल पे आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अभी हम रिव्यू कर रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म को जिसे आठ में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा अभिन ने की थी और इस फिल्म को यशरथ फिल्म के बैनर के तहत बनाया गया था इस फिल्म को लगभग बाईस करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक की कमाई है। इसी तरह 2012 में अनुष्का शर्मा ने यश चोपड़ा के हंस साथ, जिस साथ, साथ उनका दूसरा सहयोग किया उन्हें एक जो है डिस्कवरी चैनल रिपोर्टर जो है अकीरा रोय के रूप में लिया गया था जो एक जो है चित्र फिल्म निर्माता होने की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखती है और राजीव मसद ने लिखा है कि शर्मा फ़िल्म में एक जो है चिंगारी लाती है लेकिन फिल्म में राज ने सिंध के साथ जो है इनकी सहमत थे और कहा कि जबकि जो है अनुष्का शर्मा वास्तव में साहसी खेल सकती है और उन्हें यह इसे जो है कि कई औसादी स्तरों पर टोन करने की जरूरत है अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता जब तक है जान फिल्म दो की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई अनुष्का शर्मा अगली बार जो है विशाल भारद्वाज की मात्रा की बिजली का मंडोला फिल्म

के लिए सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था और कई आलोचकों ने नोट किया है कि अनुष्का शर्मा को एक जो की साथी जो की जोरदार और लड़की के रूप में देखा जा रहा था राजा सेन ने उल्लेख किया है कि है कि वह जो क्लाइमेक्स के निकट के साथ देश जो में महान दिखते हैं हालांकि डेली न्यूज एंड एनालिसिस की जो है कनिका सिक्का एन अधिक जो है आलोचनात्मक थी और उन्हें जो है संबंध किया गया था स्थापित अभिनेत्री और फिल्म में विस्तार किया गया। 2014 में अनुष्का शर्मा ने राजकुमार हिरानी के धार्मिक व्यंग्य पीके फिल्म में एक जो है टेलीविजन पत्रकार की भूमिका निभाई जो एक एलियन इंसादी आमिर खान धारा और भी से दोस्ती करते हैं आलोचक जो है सेबल चटर्जी ने लिखा है कि अनुष्का शर्मा ने एक उत्साही एवं कविता प्रेमी लड़के की भूमिका निभाई है जो अपने मन को अधिकांश हिंदी फिल्म जो है नायिकाओं की तुलना में कहीं जो है अधिक जानते हैं और शाहरुख खान के खिलाफ अपने आप को पकड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की है समीक्षको धारा प्रशंसित जो है पी के सेवन पी के मूवीज सेवन बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूशी में कन्वर्ट कर दे तो बानवे मिलियन से अधिक की विश्वव्यापी राष्ट्रों के साथ जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी अनुष्का शर्मा ने क्लीन स्लेट के साथ जो है फिल्म नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की और जिसकी जो है पहले रिलीज मूवी नवदीप सिंह की थ्रिलर मूवी एन एच टेन की मूवी थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों पीके फिल्म इनका सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अब तक की सबसे ज़्यादा मूवी है उसके बाद सुल्तान फिल्म जो इनका रिलीज हुआ था सलमान खान के साथ ये फिल्म भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म है तो दोस्तों अनुष्का शर्मा की फिल्मों को आप देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म को से दो में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद इस मूवी को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इनका मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी एच एन एस टेन था जो 2015 में रिलीज हुई थी जिसमें जो है उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी और पाँचवें बीजिंग और, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित यह मूवी एक भी की विवाहित जोड़े की कहानी बतलाती है इसका जो है अपराधियों के एक समूह के साथ जो है मुठभेड़ के बाद जो है जीवन खतरे में पड़ जाता है तैयारी में अनुष्का शर्मा ने अपनी जो है यानी कि सहन शिक्ष जो है बनाने के लिए तीन महीने की अंतराल जो है प्रशिक्षण लिया है और सेबल चटर्जी ने फिल्म को एक जो है ताना हुआ और रोमांचक जो है थ्रिलर और शर्मा की प्रशंसा के लिए साथी जो है कि मनोदशा की एक श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए क्योंकि वह एक जो है लड़ाई में कमज़ोर से निडर की ओर जो है बढ़ती है और जिसमें जो है बाधाओं को उसके खिलाफ भारी ढेर कर दिया जाता है और इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून की प्रार्थना प्रार्थना करते समय जो है शेरिया दिया गया था और अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से नाता तोड़ने के लिए जी गई थी और फिल्म भी यानी कि बॉक्स ऑफिस पे सफल रही थी 2015 में एन एस टेन के एक जो है कार्यक्रम में शर्मा जिसने जो है उनके प्रोडक्शन की शुरुआत की थी और अनुराग कैशब की जो है पीरियड ड्रामा फिल्म ड्रामा बॉम्बे इन साथी वेलवेड फिल्म दो हज़ार के इतिहासकार जो है ज्ञान प्रकाश की किताब जो है मुंबई इन साथी जो है फेवर

चैट शो में अपनी जो है बॉलीवुड एन साथ ही उनके साई इन उपस्थितियों के कारण के रूप में इसका साथ ही हवाला देते हुए भाग के लिए स्थाई जो है बढ़ाना होट बढ़ाने वाले का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में मीडिया की अटकलों का खंडन भी किया है बॉम्बे बॉलीवुड फिल्मे बॉम्बे वेलवेट मूवी को साथ ही जो है लोकार्डों के साथ और जो है बुकिया फिल्म में समारोह में इसको रखा गया था सन 2014 में एक चैट शो में अपनी बदली हुई उपस्थिति के कारण के रूप में उसका हवाला देते हुए भाग के लिए स्थायी होट होट बढ़ाने वाले का भी इस्तेमाल किया गया है प्लास्टिक सर्जरी का झूठा खंडन किया गया था और उस वक्त एक अफवाह थी कि इस फिल्म में प्लास्टिक सर्जरी की गई थी लेकिन इस आ, इस अटकलों का खंडन किया गया बॉम्बे वेट को लोकार्णों के साथ जो है बुकिंग फिल्म जो है समारोह में प्रदर्शित किया गया और आलोचनात्मक राय मिली थी राय मुली जुली थी कि जो बिजनेस जो बिजनेस जो है यानी कि स्टैंडर्ड के लिए लेखन और साथी रितिका भाटिया ने उनके साथ जो है कि धदा धद्दाम के साथ जो है भड़म गीत में शर्मा के प्रदर्शन की प्रशंसा की वह मंच को इतनी जो है कच्ची भावना से भर देती है कि उसके काजल से यानी कि लदे हुए आंसू और नकली जो है कि पलके जो है गिरफ्तार करने वाले जुनून के साथ जो फर्फराती है कि फरफड़ाती है बता दें दोस्तों हालांकि फिल्म अपने जो है 1.2 मिलियन 1.2 बिलियन जो है यूशी में कन्वर्ट कर दो तो 16 मिलियन के निवेश की जो है भरपाई करने में विफल रही थी उसी वर्ष अनुष्का शर्मा ने जोया अख्तर की दिल धड़कने दो फिल्म में एक जो है क्रूज इन साथी जहाज पर एक नर्तकी की सहायक भूमिका निभाती हुई नज़र आई थी जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें उन्हें रणबीर सिंह के साथ चित्रित किया गया था गीत अनुक्रम पहली बार को उनके और रणबीर सिंह कोरियोग्राफ किया गया था साथ ही प्रशंसा की और इसे जो है यानी कि क्रैकिंग जो है बताया एनएस टेन और दिल धड़कने दो फिल्म में उनके प्रदर्शन ने क्रमश सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए शर्मा फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया गया था ये दोनों फिल्में सफल रही थी क्योंकि दोनों फिल्मों में जबरदस्त जो है टकराव हुई थी और दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफलता हासिल किया था तो दोस्तों इसी तरह अनुष्का शर्मा अपने करियर में आगे बढ़ती चली जाती हैं और फिल्मों में बहुत आगे नाम की हुई है तो दोस्तों अभी हम बात करें अनुष्का शर्मा के बारे में तो अभी सबसे ज्यादा भुगतान लेने वाली अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा ने अगली बार यशराज फिल्म के साथ सुल्तान मूवी दो में काम किया था जिसमें सलमान खान नजर आए थे लेकिन निर्देशक अली अब्बास जाफर की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी उन्होंने हरियाणा के एक पहलवान आरफा हुसैन की भूमिका निभाई जो कि शीर्षक चरित्र सलमान खान धारा और विनीत को खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है अनुष्का शर्मा को अनुष्का शर्मा में शर्मा शुरू में इस भूमिका निभाने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उनके पास पहलवान की काया नहीं थी उन्होंने लोगों की इसी यान की धारण को मात देने के लिए सभी जो है कि पहलवान बहुत बड़े होते हैं विभिन्न यान की भारत यानी की श्रेणियों पर शोध भी किया है उन्होंने खेल में छः हफ्ता तक जो है कि प्रशिक्षण लिया था हरियाणवी में बोली बोलना सीखा था और राज्य की महिला जो है कि पहलवान के साथ जो है बातचीत की थी फिल्म और उसके जो है प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिलती है आलोचकों ने एक जो है कि इंडोर शीटिंग के साथ फिल्म में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की थी फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने अनुष्का शर्मा को फिल्म में सबसे जो है कि अच्छे एन चीज़ के रूप में वर्णित किया था और कहा कि उनके साथ हालांकि उनके पास जो है इनके पहलवान की काया नहीं होती है। फिर भी उनका जो है कि उत्साही प्रदर्शन आपको उसके साथ जो है कठिन लेकिन जो है भावनात्मक चरित्र में विश्वास दिलाता है हालांकि दो उनके साथ जो है कि हॉफिंग में पोस्ट के जो है यानी कि सुप्र के साथ जो है चटर्जी ने महसूस किया कि वह पहलवान के रूप में अन थी और यह लिखते हुए कि उसके पास जो है यानी कि वस्तु यानी कि वस्तु इन साथी सुनने जो की है कि मंच है और किसी तरह हमेशा उसे जो है पाने के लिए समय जो है निकालती है बता दे दोस्तों मेकअप बिल्कुल नहीं की गई थी इस मूवीज़ के लिए दुनिया भर में फिल्म फाइव बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूसी में कन्वर्ट कर दे तो छियासठ मिलियन से अधिक की कमाई के साथ सुल्तान भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वालों में से एक है अनुष्का शर्मा ने उस वर्ष जो है बाद में और सफलता हासिल तब की जब उन्होंने रणबीर कपूर और साथी रॉय के ऐश्वर्या राय के साथ करण जौहर के रोमांटिक ड्रामा अ है मुश्किल फिल्म में एक प्रेम हीन रिश्ते में एक जो है मुक्त उत्साही लड़की जो है अली, अली जे खान की मुख्य महिला भूमिका और, और चंचलता और कपूर के साथ जो है उनकी केमिस्ट्री ने एक औसत दर्जे की साथ तस्वीर की।, की मदद की थी और एक कन्या जो है विशिष्ट मिश्र समीक्षा में हिंदुस्तान टाइम्स की शिव्यता कौशल ने अनुष्का शर्मा कि सशक्त महिला नेतृत्व की, की, की प्रशंसा की और फिल्म ने दुनिया भर में टू बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूसी में कन्वर्ट करते छब्बीस की कमाई की थी और अनुष्का शर्मा को पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था दो में दो शीर्ष कमाई करने वाले फिल्मों के साथ बॉलीवुड हंगामा ने अनुष्का शर्मा को वार्ड की सबसे सफल बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है तो दोस्तों इसी तरह अनुष्का शर्मा अपनी करियर में आगे बढ़ती चली गई और इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिला है दोस्तों सबसे पहला इनका मूवी है रब ने बना दी जोड़ी इसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ इन्होंने सबसे पहले काम किया था और फिल्म को डायरेक्ट किए थे यश चोपड़ा सर ने दोस्तों बता दें यश चोपड़ा सर ने जितनी भी फिल्में जो है डायरेक्ट की है और सभी की सभी फिल्में जो है सुपरहिट रही है दो की फंटासी कॉमेडी साथी फिल्लोरी सूरज शर्मा और दिलजीत दोसांझ दिलजीत जो है इनकी दोसांझ सज की सह अविनित वाली मूवी अनुष्का शर्मा को एक दोस्तान up. एक दोस्ताना भूत के रूप में दिखलाया गया जो अपने प्रेमी के साथ फिर से जो है जुड़ना चाहती है अभिनय और निर्माण के अलावा जो है अनुष्का शर्मा ने इसमें एक गीत भी गाया है और इसने अगली बार जो है कि इम्तियाज़ अली की जब यानी कि हैरी मेस सेजल फिल्म में तीसरी बार शाहरुख खान के साथ सहयोग किया जो कि यूरोप में एक जो है गुजराती एन साथी और जो है शर्मा के बारे में एक रोमांस फिल्म है जिसे जो है अपने यानी कि टूर गाइड से प्यार हो जाता है फिल्लोरी और जब यानी

जो है उन्होंने अभिनय और साथी जो है निर्माण किया था और यह मूवी जो है कि शर्मा की कहानी बतलाती है जो कि जंगल में एक रहने वाली एक जो जो एक जो 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 है 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 कि 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 पीड़ित और युवती जिसे परोपकारी व्यक्ति परम वर्त चतर्जी धारा अभिनित धारा जो है कि बचाया जाता है हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को साथी बिखराव किया था और दिमाग जो है पाया और कहा कि कुछ भी यानी कि इसे नहीं बता सकता है और यहाँ तक कि जो है एक प्रमुख जो है महिला भी नहीं जो अपने जो है उत्पादन के साथ जो है करने के लिए ड्रीट वार्षिक सूची में इनको लिखा है और बिना जो है बिना ढके हुए और भयानक से जो है मंत्र करने वाले जो है यहाँ तक कि ऐसे जो है अभिनेत्रियाँ हैं जो हर चीज में खेलती है और इसने चार मिलियन से अधिक की कमाई किया था दुनिया भर में और इन दे तो 5.2 मिलियन से अधिक की हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सन दो में रिलीज किया गया था रिलीज होने के इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं तो वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों मोहब्बत मूवी दो हजार की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखा गया है और

कर लेती है कहानी तीन गुरुकुल छात्रों और उनके प्रेम हितों के साथ राज की सहायता करती हुई कहानी को बतलाया गया है क्योंकि प्यार के बढ़ती असहिणता के खिलाफ विद्रोह कर सके और यह फिल्म मूल रूप से आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म थी लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी उन्नीस सौ पंचानवे के बाद यह मूवी उनकी दूसरी फिल्म थी इसके विषय उन्नीस सौ एटी नाइन के अमेरिकी आने वाले नाटक यानी डेड और साथ ही के बाद जो है इनके सोसाइटी से प्रेरित थे बता दें दोस्तों फिल्म हंड्रेड मिलियन से लेके यूसी में कन्वर्ट करते तो वन पॉइंट थ्री मिलियन से अधिक के बजट में फिल्म को बनाया गया था क्योंकि इस फिल्म के अभिनेता बहुत ही ज़्यादा चार्ज किए थे प्रमुख फोटोग्राफी भी जिसे यूनाइटेड किंगडम में फिल्माया गया था और अक्टूबर उन्नीस सौ नानबे और दो हज़ार के अंत के बीच मनमोहन सिंह ने संभाला था इस फिल्म के काम के और साथ ही शीर्षक जो है रॉय और करण जौहर ने सेट का निर्माण किया था और जो है वेशभूषा तैयार की थी और जतिन ललित सर की इस फिल्म को रखा गया है क्योंकि जदिन, क्योंकि जतिन ललित जोड़ी ने इसका संगीत तैयार किया था जबकि अनंत बख्शी ने भी इस फिल्म के गाने को लिखे थे दोस्तों मोहब्बत फिल्म के गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे मोहब्बत फिल्म को 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज की गई थी और इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान के प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रशंसा मिली यह मूवी नौ मिलियन से अधिक की कमाई किया था इन पैसों को योशे में कन्वर्ट कर दे तो बारह और फिल्म को व्यवसायिक सफलता के रूप में घोषित किया गया था और यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई इसने छियालीसवें फिल्मफेयर पुरस्कार में चार साथी ट्रॉफिया जीती थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक शाहरुख खान के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए शामिल है इसे तीन बॉलीवुड मूवी एंड अवार्ड चार अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार एक स्क्रीन अवार्ड और दो जी सिनेमा अवार्ड इस फिल्म को मिले थे जी हाँ बातें सुनना पसंद हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं फिर से इस मूवी के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में फिल्म में अमिताभ बच्चन नारायण शंकर के रूप में अभिन ने किए हैं शाहरुख खान फिल्म के अंदर राज आर्यन मल्होत्रा के कैरेक्टर में नजर आए हैं इस वरियर फिल्म में मेघा शंकर के रूप में नजर आई है उदय चोपड़ा फिल्म में विक्रम के रूप में नजर आए हैं जुगल हंसराज फिल्म में समीर शर्मा के रूप में नजर आए हैं जेमी सरगिल फिल्म के अंदर करण चौधरी के रूप में नजर आई है साथ ही समिता शेट्टी फिल्म के अंदर ईशिका धनराजकीर के रूप में नजर आई है किम शर्मा इस फिल्म में संजना के रूप में नजर आई है तो दोस्तों यह है इस फिल्म के मेन कैरेक्टर एन सहायक भूमिकाओं में सभी के सभी इस फिल्म के अंदर नजर आए हैं तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में कि फिल्म को कैसे बनाया गया था सन दो के दशक में यहाँ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पे आप पहले दफ़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों इस फिल्म के बारे में आदित्य चोपड़ा का कहना है कि ये मूवी बिल्कुल भी आसान नहीं था लेकिन मुझे ऐसे चेहरे चाहिए थे जो हर शुक्रवार को नजर नहीं आते मुझे नए चेहरे चाहिए थे प्रतिभाशाली चेहरे क्योंकि सौफिक रूप से युवा चेहरे मूल रूप से युवा जो सीखने के इच्छुक होंगे और ऐसे चेहरे जो इस बात की सच्चाई को समझ सकते थे कि वह मोहब्बत के क्या कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज से ज्यादा मैं चाहता था कि वह हर यानी कि मिनट समझे मेरे द्वारा कल्पना की गई स्क्रिप्ट का विरण किया गया था बता दें दोस्तों आदित्य चोपड़ा की फिल्म कास्टिंग पर जो है रोमांटिक संगीत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्नीस के निर्माण से पहले सबसे अधिक यानी कि कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी तो क्योंकि आप लोग को पता है सन उन्नीस की मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी सबसे ज्यादा लंबा चलने वाली फिल्म है क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत करने

कहा था कि मुझे एहसास हुआ कि उस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी यानी कि ओर खींच रहा है और इसलिए एक दिन मैंने अपनी थ्रिलर फाइल यानी कि बंद कर दी और, और साथ ही लापरवाही से अपनी मुहब्बतों का फाइल उठा लिया था एक आधारण एक यानी कि साधारण क्रिया ने मेरी दूसरी फिल्म का फैसला किया मेरे लिए बता दें दोस्तों अधित्य चोपड़ा का यह भी कहना है कि उन्होंने दिल तो पागल है मूवी को देखा उन्नीस सौ उन्नीस की रिलीज के बाद मोहब्बतें लिखना शुरू किया वह चाहते थे कि ये सिर्फ यानी कि रोमांटिक कहानियों से अधिक हो और हिंदी सिनेमा के विश्व यानी कि विश्व कोष के अनुसार यह फिल्म उन्नीस के अमेरिकी आने वाले युग के नाटक के यानी कि डेडी डेड यानी कि पोएट्स के सातवें सोसाइटी से प्रेरित थी क्योंकि चोपड़ा ने फिर जो है अपने पिता यश चोपड़ा को मोहब्बतें मूवी सुनाई थी जो इससे प्रभावित हुए थे और बाद वाले ने अपने बैनर यशराज फिल्म के तहत जो है फिल्म का निर्माण भी किया था और एक स्क्रीन यानी के सचादा में यश चोपड़ा ने इसे एक यानी कि आधुनिक फिल्म आज के बारे में एक फिल्म और इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन की सभी यानी कि सामग्री के रूप वर्णित किया गया था उन्होंने कहा कि फिल्म भारतीय परंपराओं और उनके मूल्यों के समान को यानी कि सम्मानित करता है दर्शाती है और कुल मिलाकर आदित्य ने एक ईमानदार फिल्म बनाई है और भगवान के प्रति ईमानदार और दर्शकों के प्रति ईमानदार जिन्होंने जिन्होंने हमें यानी कि इतना कुछ दिया है और इसी परियोजना की घोषणा करते हुए जून उन्नीस सौ नानवे में यश फिल्म की वेबसाइट पर रिलीज की गई थी बता दें दोस्तों आदित्य तो चोपड़ा ने अपने पिता से कहा था कि वह अमिताभ बच्चन शाहरुख खान और ऐश्वर्या

कोशिश की जिन्होंने अपनी शादी के कारण इसे स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार कर दिया था और नारायण की उनके साथ जो है नारायण की भूमिका निभा रहे थे अमिताभ बच्चन ने जो महसूस किया कि दीवार मूवी उन्नीस के बाद यह भूमिका उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल आदित्य चोपड़ा की शानदार पदकथा के कारण इस भूमिका को स्वीकार किया था जिसे उन्होंने इस फिल्म में निभाया जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं दो की दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोहब्बत फिल्म को दोस्तों अगर आप लोग इस फ़िल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मोहब्बत फिल्म के लिए जिस भी किसी को ऑफर किया गया था सभी ने स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन सर का यह कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में सिर्फ जो है यानी कि पदकथा की वजह से साइन किया था क्योंकि उनका यह भी कहना है कि दीवार मूवी के बाद उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार इस इस फिल्म फिल्म में इनको मिला है दोस्तों इस फिल्म की कास्टिंग पूरी करने के लिए चोपड़ा ने छह नए अभिनेताओं की मांग की थी तीन नरम और तीन जो है अधित्य के भाई जो है है मादा आदित्य के भाई उदय चोपड़ा की फिल्म में अभिनय की शुरुआत की थी मोहब्बत फिल्म में पहली बार आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा ने भी फिल्म में अभिनय किया था अभिनय की शुरुआत करना चाहते थे और आदित्य चोपड़ा और उनके सहायकों ने अन्य पांच नए लोगों को खोजने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने समिता शेट्टी की और, फिल्म और फिल्मांकन शुरू होने से पहले उनके साथ जो है निर्माण किया था क्योंकि अमरीश पुरी एन है की शेफाली शाह और हेलेन ने जो है इस फिल्म में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी और आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के संवाद भी खुद लिखे थे मोहब्बतें मूवी के मुख्य फोटोग्राफी मनमोहन सिंह धारा संभाली गई थी और 25 अक्टूबर 1999 को शुरू हुई जो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी क्योंकि इसका कारण यह है इसका कारण यह है कि करण जौहर ने अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान के लिए वेशभूषा डिजाइन की थी जबकि इसके बारे में जबकि इसके बारे में मनीष मल्होत्रा ने उन्हें आ, उन्हें जो है राय के लिए डिजाइन किया था एन सातफ़ फरहान खान एन कोरियोग्राफर थे फिल्म के यशराज फिल्म के साथ लगातार सहयोगी जो जोहन कि साथीश मिस्टा रोए ने कला रोए की कला जो है निर्देशक के रूप में काम किया था एन फिल्म के बारे में रदीप डॉट कॉम की शिल्पा भारत अय्यर धारा पूछे जाने पर रोए ने फिल्म को सीखने का अनुभव बताया था और उसने नारायण के कार्यालय के सेट के लिए कई जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया था और कई जो है इनकी अतिरिक्त जो है कि संपत्ति खरीदने के लिए लोहार चा लोहार यानी कि चाल गए थे और रोए ने कहा था कि आदित्य चोपड़ा के साथ उनके अच्छे संबंध थे और फिल्म के निर्माण ने उन्हें कई चुनौतियाँ दी और देखो हर दिन मैं जो है इनके घर बनाता हूँ और चुनौती जो है इनके व्यक्तिगत कारण से व्यक्तिगत कारण से मैं यानी कि प्रत्येक घर को कहानी में और जो है पात्रों के अनुरूप जो है कि व्यक्तिगत करने में है और यहाँ पे रोय ने फिल्म के लिए थर्टीन या फिर जो फोर्टीन सेट तैयार किए थे और फिल्मांकन अगस्त और सितंबर 2000 के बीच समाप्त हुआ था और इसे भी यानी कि कार्णिक धारा संपादित किया गया था और अनुज अनुजन की मथुर और कुणाल मेहता फिल्म के धोनी एंड डिजाइन कर रहे थे फिल्म के दोस्तों मोहब्बत फिल्म का जितना भी म्यूजिक है जतिन ललित ने तैयार किए हैं जतिन ललित की जोड़ी ने मोहब्बत फिल्म के साउंड की रचना की और गीत अनंत बख्शी धारा लिखे गए थे नबोदोदित कलाकार ईशान ईशान मनमोहन शेट्टी पूता यानी कि पीठता एन साथी मजमूदार श्वेता पंडित जो है सोनाली एन साथी भटव डेकर और साथी अद भवन ने इस फिल्म के गायन जो है प्रस्तुत किया था ललित ने रिप डॉट कॉम को बताया था कि उन्होंने सोचा था कि नए लोगों के लिए नई आवाज़ें रखना एक अच्छा विचार है ताकि यह या यानी कि एल्बम को यानी कि ताज़ा इस एल्बम को ताज़ा आवाज़ देने में भी मदद करे और कहा था उन्होंने और जतिन को अपनी जो है आवाज़ के अनुकूल होने में यानि कि कठिनाई का अनुभव हुआ था और साथ ही लता मंगेशकर उदित नारायण शाहरुख खान और साथ ही जसपिंदर नरूला ने भी एस वर्ड दिए थे और फिल्म के साउंड एल्बम में सात मूल गीत और दो यानि कि पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किए गए थे और इसे 21 जनवरी दो को यशराज फिल्म की सहायक कंपनी वाई आर एफ म्यूजिकल धारा जारी किया गया था और नवंबर की शुरुआत में यश चोपड़ा ने अपने अधिकार जो है कि एच एम बी को बेच दिए थे और 75 मिलियन यूसी डॉलर और 75 मिलियन इंडियन रुपए में बेचे गए थे जो जो कि यूसी में कन्वर्ट कर दे तो नौ लाख अस्सी हजार की अग्रिम कमाई की थी दोस्तों मोहब्बत फिल्म के साउंड की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया औसत जो है दर्जे की थी क्योंकि इस स्क्रीन अन के अनुसार जो है जतिन ललित का संगीत हालांकि बास्टर पर यानी स्टॉप नहीं है इन साथ ही मधुर और साथी जनक है यह फिल्म देखते हुए आप यानी कि इस फिल्म को देखते हुए आप जो है कि आप पर यानी कि वर्ता है बॉलीवुड हंगामा के रत्ना माले ने इसे एक विशिष्ट यश चोपड़ा की तरह का मिशन कहा था और दिल तो पागल है मूवी की प्लेनेट बॉलीवुड के लिए लेखन इन साथी अभी नाच जो है रामा चंदन ने इसे एक उत्कृष्ट एल्बम के रूप में वर्णित किया था इसमें कई नए यानी कि गायकों ने शानदार शुरुआत की थी साथ ही साथ जतिन ललित धरा एक यानी कि सराहनीय काम और अनंत शानदार जो है लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे बुलाया था बिल्कुल यार यानी कि फिल्म जो है व्यापार इंसाथी वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म के साउंड एल्बम की पांच जो है मिलियन प्रतियां बिकी थी और यह वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडर्ट एल्बम बन गया था फिल्म के बारे में जतिन ललित को फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए छियासठ संस्करण में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए नामांकन मिला था और उन्हें बॉलीवुड मूवी अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड में भी उसी श्रेणी में नामांकित किया गया था यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों इस फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि गाने जो है साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एल्बम बन गए थे यहाँ फ्रेंड्स अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहब्बत फिल्म को जिसे सन 2000 के दशक में रिलीज किया गया था फिल्म को डायरेक्ट किए हैं आदित्य चोपड़ा सर ने और फिल्म की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है अमिताभ बच्चन शाहरुख खान ऐश्वर्या राय इन दोनों इन तीनों को इस फिल्म में अहम किरदार के लिए साइन अप किया गया था दोस्तों अब मोहब्बतें मोबीस साल की सबसे जो है फिल्मों में से एक बन गई थी दर्शकों की उम्मीद बहुत अधिक थी क्योंकि 8 अक्टूबर 2010 को आदित्य चोपड़ा चोपड़ाधारा अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान और जौहर की उपस्थिति में फिल्म सिटी में फिल्म के लिए एक विशेष स्क्रीन का आयोजन किया गया था बता दें दोस्तों फिल्म को सत्ताईस अक्टूबर को दिवाली समारोह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी रिलीज बिद्ध विनोद चोपड़ा की थ्रिलर मिशन कश्मीर के साथ एस रवि कुमार की कॉमेडी ड्रामा से टकरा गई थी अपने लंबे समय तक चलने के कारण जो है थिएटरों में चार के बजाय जो है प्रतिदिन दिखाए जाते थे मोहब्बत फिल्म को पूरे भारत में तीन स्क्रीन पर खोला गया था रिलीज किया गया था पहले दिन फिल्म ने ग्यारह मिलियन से आधी की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो एक लाख साठ हजार यूएसए डॉलर की कमाई की थी और इस फिल्म ने पूरे भारत में सात मिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 9.3 मिलियन से अधिक की कमाई किया और विदेशों में फिल्म ने 4.2 मिलियन की कमाई की थी एंड बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई बतलाई है 900.1 मिलियन यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन होने का अनुमान लगाया था जिससे यह मूवी वर्स के सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और यह सिल्वर जुबली यानी कि सिल्वर जुबली वाली फिल्म बनकर उभरी थी जो एक दिनों से अधिक समय तक जो है सिनेमाघरों में चली थी और यह फिल्म 18 नवंबर 2016 को एमेजन प्राइम वीडियो और एपल टीवी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई है बता दें दोस्तों मोहब्बत फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी क्योंकि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के प्रदर्शन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था फिल्म के अंदर और फिल्म के बारे में रदीप डॉट कॉम के साथ ही एसवेरा एसवेरा आर एन साथी सुमेश मूवी एक मिस मैस ठीक मूवी है लेकिन यह या एक यानी कि सफल फिल्म सफल मूवी इन साथी फिल गुड फिल्म भी है उन्होंने दोनों अभिनेताओं का वर्णन दो यानी कि सतम जीन पर यह फिल्म बनी है और हर बार जो है जब यानी कि आमने सामने आते हैं तो यह यानी कि अपेक्षा छुपी हुई है और रूप से यानी कि वर्णित की गई है बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को पांच में से तीन तारो का दर्जा दिया आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए दोनों के बीच जो है टकराव के दृश्य को साथी यानी कि एप्लाउम के साथ जो है निपटने के लिए उन्होंने कहा एक बार बारफी यानी कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म के अंदर चोपड़ा ने इस फिल्म के अंदर चोपड़ा ने लेखन किसी एक तरफ जो है कि झुका दिया है और साथी विनायक जो है इनके चक्रवर्ती ने निष्कर्ष निकाला स्पष्ट रूप से आदित्य चोपड़ा को इस बार एक यानी कि डाउनहिल हिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक यानी कि ठोस स्क्रिप्ट दूर जो है प्रभावशाली उपचार से राहित हो रही है इन मेगा सपने को पकड़ने के लिए किसी भी यानी निर्देश कि निर्देशक की अन्य विश्वास नियता की कमी मोहब्बत फिल्म की एक है और किसी भी नबोदोदित फिल्म जो है निर्माता को फिल्म कैसे न बनाई जाए इसी बारे में सत्य यानी कि सबक जी और साथ ही जो है कि नेके स्टार के बिनय जो है हर ने फिल्म की तीखी एन समीक्षा की इसे गुंगा कहा था और फिर उन्होंने कहा कि सिंह पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे रिलीज होने के बाद इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है दोस्तों इस में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा इस मूवी के बारे में द हिंदू के लिए मोहब्बत मूवी की समीक्षा करते हुए सबिता पद्मा ने फिल्म की अवधि और बच्चन और शाहरुख खान के बीच जो है टकराव के दृश्य की आलोचना की और किशोर की प्रेम कहानियों से हमेशा बाधित होते हुए बतलाया है लेकिन फिल्म फेयर के अनाम समीक्षक ने उनकी जो है उत्कृष्ट के लिए सराहना की थी और शादी संबंधित जो भूमिकाएं निभाई थी बता दें दोस्तों निकात काजमी ने फिल्म को शादी सिनेमा की और सिनेमा की यानी कि भयानक जो है अनिश्चितता कहा था और खालिद मोहम्मद ने लिखा है कि रोमांटिक कॉमेडी में वापस आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें फिल्म का वास्तव में एक यानी कि समुद्री और साथ ही बहुत तरिया एन साथी जीवन के मूवी है क्योंकि फिल्म के बारे में अच्छी जो है बहुत अच्छी रिव्यू मिली है लेकिन सच कहूँ तो केवल कुछ यानी कि स्लाइस ही स्वाद को एन साथी गुदगुदा बनाते हैं बता दें फिल्म वार्स यानी कि फिल्म फेयर के सुमन एन साथी एन की तरफा दार ने कहा है कि सुमन तरफदार ने कहा है कि अधिकांश जो है कलाकार अपनी भूमिकाओं के बारे में इतने लंबे समय तक यानी कि संबंधित दिखते हैं और उसी के अनुसार प्रदर्शन करते हैं स्क्रीन ने कहा है कि आदित्य चोपड़ा के यानी कि अधिक जो है यानी कि प्रयास पर अधिक प्रयास हर फ्रेम में दिखाई देते हैं और साथ ही पदकथा पर उनकी यानी कि महारत हासिल है महारत हासिल है पहली छमाही में स्पष्ट है इंडिया टूडे के लिए अपनी समीक्षा में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के साथ फिल्म की तुलना करते हुए साथ ही दिनेश ने फिल्म में फिल्म के बारे में कहा मोहब्बत मूवी बहुत अधिक यानी कि विविध है और जिसमें जो है और उनमें उनमें लगता है कि अमिताभ बच्चन के लिए है और माना जाता है कि कहानी निराशाजनक रूप से यानी कि थपथपाई दी और अधिक यानी कि सरल कहानी को फिल्म के अंदर बतलाई गई है दोस्तों फिल्म की कहानी तीन युवक पर आधारित है क्योंकि इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान ऐश्वर्या राय से प्यार कर रहे होते हैं लेकिन ऐश्वर्या राय के पिता अमिताभ बच्चन को ये स्वीकार नहीं होता है जिसके कारण ऐश्वर्या राय खुद को जो है मार डालती है उसके बाद किसी भी तरह इन दोनों के आपस में जंग चलता है शाहरुख खान एन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अंदर जो है कभी भी यानी कि टकराव को सुलह नहीं होता है अंत में जाके सुलह हो पाता है क्योंकि शाहरुख खान अपने तरफ यानी कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनके तरफ झुकाव करते हैं मोहब्बत पैदा करते हैं लेकिन यहीं पर मोहब्बत के ख़िलाफ़ अमिताभ बच्चन ने बहुत ज़्यादा जोर देकर अपने कॉलेज को बदलाव बताया है। जहां दोस्तों आप मुझे नीचे करके बतला सकते हो इन दोनों में आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन का या फिर शाहरुख खान का आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बतलाएगा फिल्म को डायरेक्ट किया आदित्य चोपड़ा सर ने फिल्म की कहानी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं यश चोपड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिल्म के अंदर अमिताभ हाँ, बच्चन शाहरुख खान ऐश्वर्या रय अहम किरदार में नजर आए हैं दोस्तों फिल्म को 27 अक्टूबर सन दो हज़ार को रिलीज़ किया गया था फिल्म की रनिंग टाइम दो घंटा 15 मिनट का है और मूवी की बजट के बारे में हम बात करते तो फिल्म को 130 मिलियन बजट पे बनाया गया था और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करते तो नौ मिलियन से अधिक की कमाई किया जो इंडियन फिल्म जो इंडियन सिनेमा के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है ये मूवी सन दो के दशक में जी दोस्तों आपने सही सुना इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहब्बत फिल्म को

चार्य हैं नारायण सम्मान यानी कि परंपरा और अनुशासन पर जोर देकर अपने छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ लाने में विश्वास करते हैं और वह मस्ती का बहिष्कार करते हैं और उनके साथ जो है यानी कि विशेष रूप से रोमांस के प्रति और साथ रखने वाले किसी भी छात्र को निष्कासित करने की धमकी देते हैं लेकिन इन सभी धमकियों के बावजूद भी इन नियमों के बावजूद गुरुकुल के तीन छात्र समीर बिकी और करण को प्यार हो जाता है समीर को उसकी बचपन की दोस्त संजना से प्यार हो होता है विकी इसा की ओर आकर्षित होता है और पड़ोस के सभी जो है लड़कियों के कॉलेज की एक छात्रा है और करण एक युवा विधवा किरण से यानी कि मुक्त हो जाता है जिसे करण एक रात रेलवे स्टेशन पर अकेला देखता है बता दें दोस्तों नारायण ने राज को गुरुकुल के नए जो है संगीत नए संगीत यानी कि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है और पूरे गुरुकुल में प्रेम यानी कि फैलाने का फैसला करता है अब इस मूवी के अंदर नारायण ने राज को गुरुकुल के नए संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है पूरे गुरुकुल में प्रेम फैलाने का फैसला करता है वह समीर बिक्की और करण की दूरदशा के प्रति सहानुभूति रखता है और उन्हें अपने प्यार के प्रति वफादार रहने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है राज की तीन छात्रों को बताते हैं कि उसे खुद से एक यान विशेष प्यार था और हालांकि वह मर चुकी है वह कल्पना करता है है कि वह फिल्म के अंदर कल्पना करता है कि वह हर दिन उसके साथ जाती है और एक दिन अपनी योजना के तहत जो है राज एक यानी कि पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वह किसी भी लड़कियों के कॉलेज के छात्रों को यानी कि यानी कि आमंत्रित करता है नारायण को पार्टी का पता चल जाता है अपने पार्टी में सभी लड़कियों इन सभी लड़कों को बुलाते हैं और इस पार्टी के बारे में अमिताभ बच्चन को पता चल जाता है और राज को बर्खास्त कर देते हैं कॉलेज से धमकी देते हैं इसी बिंदु पर राज ने खुलासा किया है कि वह एक दशक पहले यानी कि गुरुकुल में एक छात्र था और उसे नारायण की इकल्दी बेटी मेघा से प्यार हो गया था नारायण ने साथी जी की सरसरी तौर पर राज को कॉलेज से निकाल दिया था और परेशान मेघा ने आत्महत्या कर ली थी कॉलेज की रोमांस पर जीरो यानी कि टोल रेंज की नीति को उलट पलट कर दिया गया था मेघा की साथ स्मृति का सामना करने के लिए राज गुरुकुल है गुरुकुल लौट आया था वह वा, वह वा वा वादा करता है कि वह स्कूल को प्यार से भर देगा और नारायण इसे रोकने में असमर्थ होंगे नारायण चौंक गए और वह इसे एक जो है चुनौती के रूप में लेते हैं और राज को रहने देते हैं लेकिन समीर बिक्की और किरण जो है क्रमश संजना ईशिका और किरण के साथ जो है और किरण पर जीत हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन नारायण कॉलेज के नियमों को कड़ा कर देते हैं बता दें दोस्तों जवाबी कार्रवाई करते हुए छात्र निकाय यानी हालांकि राजधारा प्रोत्साहित किया जाते हैं इन नियमों की साथ ही अवहेलना करना जारी रखते हैं और स्कूल के माहौल को साथ ही संरक्षित जो है करने की अंतिम प्रयास में जिसे उन्होंने 25 वर्षों के लिए बनाया है इन नारायण ने तीन छात्रों को निष्कासित कर दिया था राज उनकी ओर से उनके साथ बोलते हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्यार में पढ़कर जो है कुछ भी गलत नहीं किया इन नारायण पर अपनी ही बेटी की मौत का कारण प्यार के प्रति यानी कि असहिष्णुता का आरोप लगाया था लेकिन राज यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि नारायण चुनौती हार गए हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया और अब राज जो कि नारायण को एक बड़ा मानते थे उन्हें भी छोड़ रहे हैं बता दें दोस्तों राज के शब्दों ने नारायण को आहत किया था इसे पता चलता है कि उसकी सख्त यानी कि उसकी सख्त नो एन साथी रोमांस नीति गुम रहा है एन नारायण ने छात्र निकाय से माफ़ी मांगी एन गुरुकुल के साथी प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया और राज को अपने यानी कि उदर अधिकारी नामित किया है एन साथी स्वीकार करता है और नारायण के साथ भी इनकी सुलह कर लेते हैं और इसी तरह इस फिल्म की कहानी को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है तो चलिए दोस्तों यहां से अब हम बात करते हैं मोहब्बत फिल्म के बारे में इंग्लिश में दोस्तों अगर आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है इस फिल्म को रिलीज किया गया था सत्ताईस अक्टूबर सन दो को और रिलीज होने के बाद इस मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है अमिताभ बच्चन शाहरुख खान ऐश्वर्या इस फिल्म में इस फिल्म में अहम किरदार निभा अहम किरदार निभाए हुए हैं फिल्म को डैट किया आदित्य चोपड़ा ने और फिल्म की कहानी भी आदित्य चोपड़ा सर ने ही लिखे हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं यश चोपड़ा सर ने दोस्तों इस फिल्म को एक मिलियन बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने दुनिया भर में नौ मिलियन से अधिक की कमाई किया था The film was the originally planet to V in Aditya Chopra is the directory devout but is the was in second film after Dilwale Le Jayenge movie nineteen ninety-five. It is the in themes where the and inspired by the those from the 1989 American coming of the age drama dead and produced in society and producer on the budget and more than the hundred million budget and you say convert to the one point three million. The film and principal photography of the Muhabati, which was the end film made in the United Kingdom was the end. Bendable the in manmohan singh between the october 1999 and the and late 2000 and the and the, the role in karanjohar bulti and the bullet is the set and designed by the custom designer and respectively to be due to the and in lalit composite it is the music will be anand Bakshi were to be in the music lyrics <laughs> Mohabbatein movie was the release on 27 october 2000 and the received the and what is spread the in acclaim from the critics with the end Amitabh Bachchan is the end Saru Khan performance the end running the in most project with the end total gross movie 900 million but the movie total box of his collection 900 million and usually convert to the 12 million the film was the end declared as the end commercial success and the become the highest grossing Indian film of the year it is won through the entropic the film fair 14th film fair award including best actor critic Saru Khan and Amitabh Bachchan Narayan has the been the end a hashtag principle of the gurukul and the all boys the college for the 25 years in narayan in believes in the and bowling the in best out of his the and eastern boy the and project the N honor and the traditional at the and display he the and disbanded from the and particular and international of the romance and the and the television, expert any student who the end towards the inhabiting and having a romantic affair. Romantic affair, despite the end rules the entry, Guru, gurukul cool student, and Samir Vicky, and Kiran. Kiran fell in love with the Samir and Samir fell for the Sanjana, hide and childhood friend, and Vicky is the octet to be Ishika is the student at the end and the nagru All Girl College, and the Kiran and the with the Kiran and young the and the. In video who the current see along with the one night the train station, Naran head the Raj is the Gurukul of new and music teacher the Raj and believe in the power of the love and the desire to the end, spread the love and three and the intro, uh, love three and Gurukul hit the end, spread with the end. And the pretty small of the in Samir Vicky and Kiran and the movie The and project by the estate and loyal to with that the love is the rush. till the entry student the three he had the and special love the and himself in the Althausi is the dead he and imagine and the. Image is the end or uh, is the end uh, composition his the very day one day is the of the movie is the Raj and through party Raj through a party to be which Is the end Invite to be a student of the all goal and college Narayan the, and discovery is the party and the and dismiss Raj at this the point to be Raj in revealed he had the been a student at the Gurukul offer or decided to be yearly and the movie had the plan. had the end Fell in love with the mega नारायण इस वन डॉक्टर नारायण हेट द एंड समरली एंड एक्सप्ले राज फ्रॉम दि कॉलेज एन दि मूवी एंड डिस्कवरी हेट द मेगा हेट द एंड कॉमेंटेटर द एंड सुसाइड द रॉज रिटर्न टू गुरुकुल टू वी एंड होनर द मेगा इस द एन मेमोरी वाइ द एंड रिवरिंग टी बी एंड कॉलेज हेट द एन जीरो and Taylor is the end polish on the end romance he the and promises he will be in the school with the love and take the narayan will be in unable to be a with the narayan he the and socket he and takes the and the challenge and the allow his the rush to end remain in samir biki and kiran are the able to be win over the sanjana ishika and kiran and respectively by the narendra the end retail to be and hit the end college the rule the movie a student body and however the end in kovid raj and continued to be and defeats the end rules and the final and final offer to be in resurfaced by the school and the autobiography is the end bullet of the film 25 years niran explained the and a student the raj speak of one the and theater and the behemoth in the and beheld help station the and nothing to be worn by the feeling and love with the and exquisite nandan of the encouraging his the one and daughter and death with the internationally of the raj also and saying his the and fails narayan to be and lost the and challenge the and bkg's his the and daughter the left him the and new raj who is the and considerate the narayan and elder his the and leaving him a living him as will be raj the world and and the heart narayan the and realized he's the end and strike the no romance policy in the end and misguide Narayan the end, and upload guys to be an Student boy the end Rajing is the principal of the Gurukul and the nominated the Raj is and successor Raj except am the and recognize with the Narayan. It is was the not easy is the be all white the and wanted for the and faces with the word not the see every, every and Friday I want to be in fresh the and visit the and talented the faces and the naturally and young faces the and basically the youngster who the world be and willing to be learning the and faces who the and cloud the and understand it and understand the through about with the and this movie is the thing and challenges the muhabbet movie was all the about in the more than any and Anything is it the I wanted to be theme to be and understand the every minute the every minute detail of the movie and is given the end by the Aditya Chopra the film and casting and before the production of the romantic musical Dilwale Dulhania Le movie in 1995 one of the movie highest grossing film and the end longest the running film and Indian the and Indian cinema history Aditya Chopra had the started to be written and Mohabbate to Make his the and the directorial debut the Chopra and Felt Mahabade movie. ट मेटर वाश टू बी एन मेटर चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में तो दोस्तों अगर आपने मोहब्बत फिल्म को देखा है तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों मोहब्बत मूवी साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी और दर्शकों की उम्मीद बहुत अधिक थी फिल्म के बारे में जो आठ अक्टूबर दो को आदित्य चोपड़ा धारा और अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान और जौहर की उपस्थिति में फिल्म सिटी में फिल्म के लिए एक विशेष स्क्रीन का आयोजन किया गया था फिल्म को सत्ताईस अक्टूबर को दिवाली समारोह के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी रिलीज विनोद चोपड़ा की थ्रिलर मिशन कश्मीर मूवी के एस यानी कि रवि कुमार की कॉमेडी ड्रामा साथी थेनाली मूवी से टकरा गई थी अपने लंबे समय तक चलने के कारण जो है थिएटरों में यानी कि चार के बजाय जो है प्रतिदिन तीन शो दिखाए जाते थे मोहब्बत फिल्म को पूरे भारत में तीन स्क्रीन पर खोला गया था पहले दिन फिल्म ने ग्यारह 9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था जो यूजे में कन्वर्ट कर दी तो एक लाख साठ हजार की कमाई की थी फिल्म ने भारत में सात मिलियन से अधिक की कमाई किया था इसी तरह इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 9.3 मिलियन कमाई किए थे और विदेशों में फिल्म ने 4.2 मिलियन की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की कुल कमाई 900 मिलियन बताई है जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था जिससे यह फिल्म वर्ल्ड की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई यह सिल्वर जुबली फिल्म एन साथी बनकर उभरा था जो एक दिनों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चली ये मूवी अठारह नवम्बर दो से एमेजन प्राइम वीडियो में रखा गया है तो दोस्तों आपका बहुत सारा सवाल आता है कि ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाता है तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे तो ही आप इस फिल्म को देख सकते हैं मोहब्बत फिल्म को व्यापक क्लोज स्नातक प्रशंसा मिली अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के प्रदर्शन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था मोफी के अंतर क्योंकि फिल्म के बारे में रदीप डॉट कॉम के सावेरे आर एन साथी जोहन की सोमेश वर ने टिप्पणी की यह मूवी मिस और साथी मैश ठीक होने वाली लेकिन यह एक सफल यानी कि उनके साथ फिलगुड़ थी उन्होंने दोनों अभिनेताओं का वर्णन दो यानी कि संभव जीत पर किया था फिल्म बनी है और हर बार जो है की यानी कि आमने सामने आते हैं तो यह अपेक्षित छुपी होती है के रूप में वर्णित किया गया बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को में से तीन सितारों का दर्जा दिया था आदित्य चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए दोनों के

रही थी और अपनी यानी कि मेगा सपने को पकड़ने के लिए किसी भी निर्देश की अन विश्वसनीय की कमी थी मोहब्बत मूवी एक है किसी भी यानी कि नवोदित फिल्म निर्माताओं तो को फिल्म कैसे न बनाई जाए इसी बारे में यानी कि सत्य सबक जो है जी सिनेमा और नेक्स्ट सेट के साथ जो है विनय है ग्रेने फिल्म की तीखी समीक्षा की इसे गंगा कहा और कहा कि खेर और यानी कि सिंह के साथ जो पूरी तरह से बर्बाद थे बता दें दोस्तों वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है मोहब्बत फिल्म को तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइट को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं कि नई वीडियो में तब तक के लिए ट्रिल एनसीओ सुन